फाइनली वी आर लाइव. आकाश फिनोमिनल अबीर अभिषेक वेरी वार्म वेलकम. दोस्तों वो दिन आ ही गया ट्रेनिंग मोड का. अरे 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 अभिषेक वेलकम वेलकम दोनों जगह. यार कैसे करते थे. हाँ दोस्तों वो आ गया है जिसका हमें कल इंतजार था. एलेक्स वेलकम वेलकम. व्हाट डू वी नीड. नीड एमओ. नहीं पहले वी नीड बैग्स. एक्चुअली वी डोंट नीड 762. नीड एम. नहीं टी ए ठीक है. नो और क्लिक्स बहुत क्रिस्प हैं इसके. एक रेड डॉट भी चाहिए. मजल साइट रेड डॉट और 4x. 4x कहाँ गया भाई. भाई भाई अलग सा लग रहा है यार ये तो थोड़ा. कहाँ से लिया बीजी. अरे ब्रो इंटरिम लिया यार. अभी तो अमेजोन से लिया है ये वाला G102 है. बट अभी जोवी वाला लेना है तो जोवी वाले का मैंने डायरेक्ट कुछ बात किए डायरेक्ट. तो अभी वो बताएंगे. दो मॉडल अवेलेबल हैं दैट इज़ FK1 एंड द अदर वन इज़ S1. तो उन दोनों में से जो अवेलेबल है अगर बाई चांस अवेलेबल नहीं होता है इंडिया में. वैसे तो अवेलेबल है दोनों. बस मुझे जो चाहिए वो दैट इज डैश सी करके. अब आप पूछोगे डैश सी क्यों चाहिए. वो बेसिकली नया वाला है. उसमें एक तो पैराकॉर्ड है और क्या कहते हैं ये जो स्क्रोल व्हील है इस पर 24 साइकिल्स है नए वाले. तो ये डिफरेंस है बिटवीन अमेजोन पे जो अवेलेबल है और जो वो बता रहे हैं. अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा. तो फिर आएगा फिर आएगा S1-C. ऐसा बट आज कल में डिसाइड हो जाना चाहिए. भाई राम इतनी तेज आवाज. बट यार इसे यूज करने के बाद ये यूज करने में उफ. इसका बस एक वो है पता नहीं थोड़ा लेफ्ट राइट. अरे हाँ इसमें पता है एक और चेंज भी है प्रीत ब्रो. इसमें नए वाले माउस में आप बंजी यूज नहीं कर सकते. ये बंजी में बड़ा स्टिफ हो जाता है. बिना बंजी के लेफ्ट राइट बहुत स्मूथ है. पता नहीं ऐसा क्यों है. मैंने पहली बार देखा ये तो. बट इसका राइट क्लिक इतना तेज है बाप रे. मुझे तो लगता है मेरा पुराना वाला माउस में राइट क्लिक थोड़ा स्लो था क्या भाई. इसमें तो क्विक स्कोप बहुत तेज है. ये देखो ADS या मुझे ही लग रहा है पता नहीं यार. बहुत सही है ये वाला. पता नहीं बाकी देखेंगे. मैक्योर ऑफ. अरे अरे इंडिपेंडेंट ऐसा क्यों बोल दिया ब्रो. क्या हो गया. अरे शोभित वेलकम वेलकम. माउस की सौतन आ गई. भाई भाई इतनी खुशी हुई. डॉट 11 पे आया है बताओ. अमेजोन इज सो ब्लडी फास्ट. भाई मैंने सारे टेक्सचर ट्राई कर लिया. अमेजोन प्राइम वाला ट्राई कर लिया. इंटेल का ट्राई कर लिया. नया वाला अमेजोन प्राइम वो अमेजोन बेसिक्स वाला माउस पे ट्राई कर लिया. सबसे बढ़िया इसी पे जमा टेक्सचर पे. पता नहीं इसमें ऐसा क्या है. अब तो मैं वो दिखाता हूँ जो मतलब सबसे कमाल की चीज लगी मुझे इस माउस में. स्नाइपर 4x और बुलेट लूप्स. वो कहाँ है यार. अटैचमेंट साइट मजल स्टॉक स्टॉक बुलेट लूप्स लोगी फॉर रीजन. अरे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे. बस इसमें ये है कि मेरे को आदत नहीं है माउस की. इसकी इसका जो ये वाला स्पेस है ना ये बहुत कम है. और इस वाले में पता है ये चीज़ है कि इसका जो माउस पे क्लिक है ना ये बहुत क्लोज है. ये दो इश्यूज हैं इसमें. बट अभी इट्स टू सून टू से समथिंग. बट मेरी ग्रिप चेंज हो रही है इस माउस की वजह से. बट भाई दिस फील्स सो ब्लडी प्रीमियम.
but it's so unfair to compare a mouse which is like 1500 to a mouse which is 6500. But bhai, this is so bloody premium. मतलब दिमाग से बनाया गया ये माउस लेजिट. बट यार मेरा तो राइट क्लिक ही नहीं खुल रहा था. हाँ अभी स्लो लग रहा है, पर मेरे पुराने वाले माउस से तो फास्ट है ये राइट क्लिक पक्का. ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हाउ कैन इट बी पॉसिबल. दो बाकी तो अभी गेम पे टेस्ट करेंगे तो बच लेगा. एज इफ तो भाई है तो माउस कुछ भी अच्छा तो है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से एंट्री पॉइंट पे तो सही है भाई, बट टिकना चाहिए इस पे. बंदा मार रहा है क्या, 4x करके देखे हैं कितना 30. क्राउच पे तो हो ही जाएगा, खड़े खड़े स्प्रे करते हैं. हाँ सही है, काम चल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है. अब कोई अगर ये क्वेश्चन पूछे कि उस वाले माउस में और इसमें कितना फर्क है, यार बहुत फर्क है यार, सच बता रहा हूँ बहुत फर्क है. बट बाकी तो खेल के पता चलेगा, मतलब फील में फर्क तो है डेफिनेटली, ये तो कह ही सकते भाई कि फील में तो बहुत फर्क है और होना भी चाहिए भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से. मुझे बस ये देखना है सेंसर में कितना फर्क है. तो अगर मुझे जूवी में उसकी जो वो है क्या कहते हैं माउस शेप इज लाइक वे बेटर, उसका टेक्सचर इज वे बेटर और इस माउस में स्क्रोल व्हील इज वे बेटर प्लस राइट क्लिक का आई थिंक बेटर है, पता नहीं क्यों होना तो नहीं चाहिए बट आई फील राइट क्लिक इज रियली गुड. बाकी आओ मैच में ट्राई करते हैं. कुनाली वेलकम वेलकम. यतीश कैसा है ब्रो, G102 है क्या भाई. हाँ यार ये G102 मंगाया था मैंने क्योंकि मेरा माउस खराब हो रहा था स्ट्रीम पे. फाइनली न्यू माउस कौन सा मॉडल और ब्रांड, ये लॉजिटेक है और ये है 102. अच्छा निशान है, मेरे को लगा भाई हाथी क्रैक कैसे पड़ सकता है. चलो एक गेम खेल के देखते हैं क्या सीन है. ब्रो मेरा Lenovo Legion कल आएगा उसके बाद PUBG ग्राइंड चलेगा. अरे बढ़िया ब्रो, बताना हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. अमित ब्रो ओंकार वेलकम वेलकम. नई हथियार का जलवा. अरे 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 मैकलेरन कब अनलॉक होगा. मैकलेरन यार इस हफ्ते में हो जाना चाहिए क्योंकि हम 50 लेवल है देख उसमें पास में 40 तक हम पहुंच चुके हैं. प्रोबेबली अगले वेडनेसडे से पहले पहले हो जाना चाहिए. MSI का पता नहीं यार कौन सा है, मेरे को पता नहीं. अगर स्क्वाड होगा तो मे बी, डुओज होगा तो डेफिनेटली आई विल प्ले, बट मोस्ट लाइकली वो स्क्वाड ही करने वाले होंगे तो पता नहीं यार इफ आई विल प्ले. इज इट अ PUBG PC टूर्नामेंट कुनाली. टुडे यू विल ओन दिस यू, लेट्स से यार लेट्स सी. नया माउस है, मैं कुछ और नहीं हूँ. आपको RGB लाइट वाले माउस अच्छे नहीं लगते क्या. उनका इज लाइक RGB क्यों नहीं जल रही है इसमें. कुनाली स्क्वाड है क्या ब्रदर. इतनी जल्दी PUBG PC का टूर्नामेंट वापस कैसे आ सकते हैं दोस्त. स्क्वाड पता नहीं यार, देखते हैं अभी PUBG PC स्क्वाड. पुराली इतना सब कुछ बताया, प्राइस पूल भी बता दे ब्रो. आई एम प्रिटी श्योर तेरे को पता होगा. कोई नहीं अजय. ओहो प्रखर वेलकम वेलकम. गेट सम चिकन, देखते हैं यार. पहले तो मैं सोच रहा हूँ एल्केंटारा जाऊँ या सेंट मार्टिन जाऊँ. पहला मैच है सोच रहा हूँ यहाँ चला जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ एक दो बंदे तो आए हैं टेस्ट करने के लिए माउस. वैसे बाय द वे कल डीसिंग कम हो गया था रात को तो आज तो और बेटर होना चाहिए. एनाबॉलिक वेलकम वेलकम. हेलन
Why don't you play with I did परसों खेले थे मैं और न्यू डूज खेल रहे थे रात को हम तो लाइक फॉर फर्स्ट ओफ सही है यार प्राइस पूल क्या बात है मोर आरजीबी मोर एफपीएस ओ ये कब से कुनाली टूर्नामेंट व्हाट कॉजेस डीसिंक पबजी अपडेट्स नॉट द सर्वर पबजी अपडेट्स अरे मैंने आरजीबी इसलिए ऑफ कर रखा है मतलब बंद ही रहे तो सही है तुम्हें पता है मेरे केस में इतनी आरजीबी है मैं उसकी वायर निकाल रखी है क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन टू टर्न इट ऑफ तो अब उसका जो तार था जिससे पावर जाती थी आरजीबी मैंने वही ऑफ कर रखी है तो काहे इतनी रंग बिरंगी लाइट है मे बी आई डोंट लाइक आरजीबी अलॉट 2nd of October बाप रे बताते भी नहीं यार इतनी जल्दी टूर्नामेंट देखते यार आई वॉन्ट टू सी यू प्ले स्क्वाड अरे बट आई डोंट लाइक प्लेइंग स्क्वाड ना वो भी तो इम्पोर्टेंट है जो भी तो लाइक आप अरे यार ऐसे मत याद दिला ब्रो भाई कल मैंने आपको अपने आप को बहुत रोका भाई बहुत रोका वरना मैं लिटरली ऐसे में ऑर्डर करने वाला था इट वॉज डिक्लेयर्ड फ्रॉम नो वेयर टू डेज अगो दैट्स सो बैड यार मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट और पता भी नहीं चला दो दिन पहले आ गया मतलब थोड़ी मार्केटिंग थोड़ा कुछ तो करो यार अब बताओ दो दिन जिसको पता होगा उसने स्क्वाड्स भी लॉक कर लिए होंगे अरे यार पहले उतर गया लड़का अब मुद्दे की बात ये है क्या इसके पास वो भाई तो मारने भी चला गया उसे अरे यार अभी ये क्या बकवास है मान क्यों नहीं उठ रहा हूँ एन जी हाँ अभी ठीक है भाई धीरे धीरे आड़ डालनी पड़ेगी इसकी यार बताओ इंडिया में कैसे नहीं मिल सकता यार कोई ब्रह्मांड में मिल रहा है वो माउस S1 और इंडिया में नहीं मिल रहा और कब कितना टाइम हो गया उसे लॉन्च हुए मेजोरिटी ऑफ टीम्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड बस फिर तो हो लिया Level 2 कुनाली मेरे को यार मैसेज कर दे यार क्या क्या डिटेल्स है कहीं पे प्लीज टाइम Discord, Insta, जहाँ पे भी कर सकूँ अब ये बंदा बैठ गया नहीं ऊपर है चलो बढ़िया है फ्लैश है अरे भैया तो मारते हुए चले आए यार दरवाजा तो देख इसने ऊपर खोला ब्रो कॉपी थैंक यू अरे यार हट भी गया था मैं तो मार के पक्का मैनेज भी हो गए अगर ये बच गया होगा ना फिर दूर उतर करेंगे शुरू में
आई मीन बच तो गया ही है, कितने एचपी बचा वो देखना है बस। आई सैड लाल लाल सुसरे। गौरव वेलकम वेलकम, कैसा आकाश? कोई नहीं यार, थोड़ा दूर उतरते हैं, 60 के बाद तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्या ही मारेंगे फिर ये। देखते कौन सा मैप मिलता है। क्यों डालते हैं ये अपडेट यार इस गेम में, बिना अपडेट के कितना अच्छा है। एक 40 लेवल है अपना, अब अपने को कितना पॉइंट चाहिए मेरे को ये देखना है। हाइड आउट स्टोर वर्कशॉप में होगा, स्टोर में होगा हाइड। हाँ इसमें जाके इसमें कॉन्ट्रोबैंड वेपन्स सैलवेज यार वर्कशॉप में होना चाहिए ना मैक्लेरन वाला डी सिंक। अरे यार ये डी सिंक का तो हो जाएगा, माउस मेरा वो है यार अभी G102 लिए। अरे कोई नहीं यार आकाश, गुड फॉर यू ब्रो, गुड फॉर यू। रेगुलर क्राफ्टिंग स्पेशल क्राफ्टिंग हाँ 1586 इस हफ्ते में हो जाएगी मैक्लेरन। अब शर्त ये है कि सफ़ेद वाली लें कि येलो वाली लें। सफ़ेद वाली तो आराम से आ जाएगी यार, इसमें ब्लैक क्यों नहीं? अच्छा ब्लैक उसमें खुलती है, ओ केस में खुलती है ब्लैक वाली, सही है सही है। चलो गाइस अब हम करेंगे चिकन चिकन, वो भी दूर दूर से, नज़दीक नहीं जाएंगे इनके। अतुल कैसा है मेरे भाई, बिना अपडेट के ही मस्त है। वही तो ससुरा ऐसी अपडेट डालते हैं बंदे बच जाते यार। लाल लाल एचपी ऐसे इंश्योरेंस दे रखा है उन्हें। किधर चल सकते हैं ये सोचो। इन दो को शेल्टर चलते भाई, इजी शेल्टर। अगर शेल्टर में कोई आया तो थोड़ा गेम्स लगा खेल लेंगे। 60 से जैसे ही बंदे कम होंगे फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो स्टेबलाइज हो जाता सर्वर। वो ये इसलिए तो नहीं होता कि 60 के बाद, बट यार 40 बंदे मरने पर इतना डेटा जल्दी फ्लो कैसे हो जाता होगा, क्या पता। कुछ तो है भाई, कुछ तो है। वो बचता नहीं यार वैसे, बट मेरे को हेड पे मारना चाहिए था ये भी। अब दो चीज़ें करनी पड़ेंगी जब तक ये सॉल्व नहीं होती, एक तो स्नाइपर ज़्यादा उठानी पड़ेगी और दूसरा ट्राई नॉट टू पीक इन देयर एंगल, लेट देम पीक इन योर्स, ये इम्पोर्टेंट है। डुओ डुओ यार कैसे करेंगे, सोलो नहीं खेल पा रहे ब्रो। नए माउस से पहले सोलो तो खेल लें। देख अतुल पता है होता क्या है, डुओ खेलने का मेरा भी बहुत मन है, बट सीन ऐसा होता है कि एक तो माउस नया है ठीक है, तो थोड़ा सा गेम इंजॉय तो कर लूँ पहले मैं। डुओ यार मेरे को सोलो खेलने की आदत ही छूट गई। आ गया फर्स्ट लास्ट आरडीएक्स वेलकम वेलकम, शिवंत अपूर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो येलो चलते हैं भाई। यू कैन पिन द लिंक इन चैट। अभी तो यार मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मे बी लेटर इफ आई फील लाइक इट आई विल, डोंट वरी। आ रहे क्या? एक तो हॉल ऑफ फेम है, रेस्ट पता नहीं किधर जाएंगे। वो गाड़ी भी अपने पास नाइस। साले ओ भाग गया सोलो। गन किधर है बे? हाय राम बच गए भाई, पीछे पीछे तो आने सर आओ। अरे और है रे
भाई पहली गेल मुबारक हो दोस्तों। भाई द स्ट्रगल वॉज रियल। ओ आई नीड दैट फ्लैश हाइड यार, मैंने पीछे लेवल 3 देखी थी, इसने लेवल 3 नहीं उठाई। भाई ये हल्का सा उंगली का पर यार ये यार मैंने एंगल चेक नहीं करा। शेल्टर बहुत दूर है, अभी तो दूर जा रहे हैं ब्रो। रुक जाओ दोस्तों, नई इंफॉर्मेशन आई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। FK1-B और S1। अबे भाई पॉलिथीन में कैसे लिख रहा है FK1-B। FK1-B कौन सा वाला है, इसका मतलब सी वाला अवेलेबल नहीं है। ये किसका नंबर है, ये किसका नंबर है? ओके परफेक्ट, चलो भाई हमारा काम हो गया। यार FK1-B तो नया मॉडल नहीं है, एक सेकंड रुक जाना गाइस। चलो हो गया। मॉन्च नहीं है क्या कोई इधर, है ना? मैं एक सेकंड, माउस आ गया। हाँ सैम्ब्रो माउस तो आ गया, बट जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट टू दिस न्यू माउस। बहुत फर्क है यार उस माउस, मतलब ऑफ कोर्स फर्क होगा भी, बट एक बात यार, बहुत हल्का माउस है, मतलब बिल्कुल हवा जैसा माउस है लिटरली, पता ही नहीं चल रहा हाथ में कुछ है भी। अगर ये माउस लिटरली अच्छा चल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। वाह क्या बात है, फेरी मिल गई। चलो 60 के नीचे बंदे हो गए, अब खतरा दूर है, अब हम लड़ सकते हैं किसी से। चलो जी। अरे अरे बेन किल करने के बाद रचित भाई भी लाइक जो स्माइल जो आती है भाई, खुशी आती है भाई। ऊपर तो नहीं बैठा भाई, पहली किल थी ब्रो। कितने टाइम बाद नया माउस लिया है, अब तो तबाही। डीपीआई कितना है यार, इस पर 1600 रखा है, 800 रुपये अजीब सी लग रही थी। सेंसिटिविटी चेंज नहीं करूँगा, सेंसिटिविटी सेम ही रहेगी। गाइस लाइक कर देना फटाफट प्लीज। और मेरा चैट नीचे कैसे हो गया, ऑब्वियसली
वायर प्रोटेक्टर लगा लेना इसमें। वायर प्रोटेक्टर क्या होता है मतलब, बंजी कह रहे हो ये वायर प्रोटेक्टर? मुझे पता नहीं क्या होता है, मैंने आज तक यूज नहीं किया है। वायर प्रोटेक्टर वो तो नहीं होता जैसे चार्जिंग केबल में लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए? अबे इन्होंने नया माउस बनाया बट इसका ऊपर नहीं करा, ये ऊपर है। हाँ देखो ये इन्होंने थोड़ा ऊपर कर दिया है, पहले बिल्कुल 90 डिग्री पे होता था, ये सही किया। भाई मैं तो सर्कल में भी नहीं हूँ। स्क्रोल व्हील मस्त है, कुछ भी बोलो। अरे बंदा दिख नहीं रहा ना, अभी तो इतना हो रहा था। मारो इधर मारो उधर मारो, स्प्रिंग जैसा होता है रबर। ओ यार वो है कहाँ? ओ ये बंदा पुश कर, ओ तेरा भला हो। टॉक क्विक स्कोप है भाई, दिया था मैंने उनको भाई साहब। अब ज्यादा कॉन्फिडेंस लिया मैंने क्विक स्कोप में, भाई पूरा स्कोप करने की जरूरत नहीं है इसमें तो। भाई व्हाट द हेफ इज दिस ब्रो, भाई मेरा जो भी कुछ ज्यादा पुराना हो गया था क्या? ये तो कुछ नया नया फील है दोस्तों, पता नहीं तुम्हें स्ट्रीम पे कैसा दिख रहा है ये हेडशॉट, बट दैट इज लाइक एम करो और बस मार दो। स्मोक कर लेना चाहिए, मुझे गलती कर दी मैंने। यार बंदा दिख नहीं रहा यार, यही तो बोला मैंने, यहाँ है ही बट ठीक नहीं दिख रहा। बूम, यही था क्या वो? इसकी एक की तो आज यहाँ पे भी आई थी भाई, मरे तो ये माउस अच्छा लागे से भाई, पता नहीं को पसंद तो आ रहा है प्लांट यार, पता नहीं यार मजा सा आ रहा है भाई। नहीं ऐसा तो नहीं था यार, हसन आई बॉट अ न्यू माउस ब्रो, आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय ओल्ड वन, देयर वाज सम मैलफंक्शन विद द राइट वन, आई हैड टू गो फॉर अ न्यू वन। एक्सटेंडेड नहीं है क्या वो? भाई एक नई सी फीलिंग है, पता नहीं पबजी खेलने की, इज इट बिकॉज ऑफ द माउस? सर्कल कहाँ है? अरे विनय भाई ऐसे करोगे क्या अब आप? बेस्ट हेडफोन एज पर योर इनसाइड एक्सपीरियंस यार, लॉजिटेक जी प्रो एक्स एनी डे ब्रो, वायर्ड वन एनी डे।
आकाश ब्रो वेलकम वेलकम, यूज फ्लेयर अंदर जाके यूज करेंगे भाई, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट लेंगे। बीआरटी में वो मजा नहीं है। ड्रॉप वेपन अगर मिल गई तो मजे ही मजे। अच्छा एक चीज, अरे यार मेरे पास बैंडेड नहीं है यार, बैंडेड कितनी इम्पोर्टेंट है यार, महत्व बढ़ गया जब से ड्राइविंग करते हुए बैंडेड मार सकते हैं। फर्स्ट एड भी गोपी लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो लगेगी। भाई कोई तो बहुत ही ज्यादा बंदा बंदा है, इस गाड़ी मत तोड़ियो। चला चलाओ भी सप्रेस ड्राइव, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से। भाई हर बंदूक में सप्रेस लगा ली क्या? अरे बगी के पास है। आएगा क्या पीछे पीछे? नहीं आने तो नहीं आ रहा। चलो अंदर चले। ड्रॉप भी हुआ है दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए ड्रॉप हो रहा है। देख एक तो ड्रॉप का सीन है और दूसरा अपने पास फ्लेयर है। चक्कर ये स्मोक नहीं है ना अपने पास। शिट यार स्मोक खत्म हो गई बट जान बच गई बस ये है, वरना या तो वो मुझे या गाड़ी को तो तोड़ता ही तोड़ता। यार इस पत्थर पे बंदा है क्या या केबल पे? ड्रॉप तो लूट चुका है दोस्तों। ओह ये लो भाई, पता नहीं किसको चाटा पड़ा, मोस्टली गाड़ी वाला तो गया। नहीं गाड़ी वाले ने मार दिया। अरे भाई 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 मजा तो आ रहा है फ्रेंड्स। मजा तो है। स्ट्रीमिंग के लिए लैपटॉप लिया है, सही है यार। कौन सा वाला लैपटॉप लिया? व्हाट्स द नेम ऑफ द न्यू माउस? इट्स G102। लोएस्ट रिकॉइल गन इन पबजी एवर? पता नहीं यार बहुत सारी है। अम्प आई थिंक, मुझे इसकी बॉडी चेक करनी है बट स्मोक चाहिए। एक बंदा अक्रॉस में मरा तो था, मेरे पे कितने लोगों की नजरें हैं मैं पहले ये देखता हूँ। अरे ससुरा ड्रॉप पे ही बंदा है। अबे किधर गया ये? अच्छा ऑग मिली है यार, एक्चुअली सप्रेशर नहीं चाहिए। ओ माय गॉड थ्रू लव, चल भाई होगा। नीड तो चाहिए चाहिए। स्मोक तो, अरे स्मोक भी मिल गया, नाइस। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कहाँ चले यार,
वो लूट क्या रहा था अगर ड्रॉप यहाँ है तो उसे लगा ड्रॉप लूटा ही नहीं है वहां। अरे आई नो आकाश, कोई बात नहीं यार, उसकी बात मत कर प्लीज, मेरे को वो याद मत दिला। ओ यहाँ पे भाई किस्मत ने बताया। अच्छा गाड़ी मोड़ ली थी, गाड़ी वाला भी आ गया। भाई मेरी गाड़ी के तो लेने के देने हो गए। अभी उठाई थी लेवल 3, इससे तो अच्छा जाके मैं पुरानी लेवल 3 उठा लाऊं, बट अब कौन जाएगा पीछे, छोड़ो। भाई अच्छा है गाड़ी मोड़ ली थी वरना बचते नहीं, पता ले गया था वो लड़का। और अपनी टाइमिंग इतनी गंदी हो कैसे हो सकती है भाई। हाँ तोड़ दे भाई, तोड़ दे भाई। गाड़ी का टायर ना टूट गया। फुल एचपी हो गई। अरे कोई नहीं यार, अरे हम अरे एक्चुअली यार एक बंदे ने बहुत ज़्यादा मस्ती ले ली ना लास्ट 2 दिन। दांते कौन सा माउस यार, मैंने G102 लिया है। सर्कल तो अच्छा है, ड्रॉप का वेट है, ड्रॉप भी आ जाए। रीलोड ने बचाया, हाँ मैं वेट ही कर रहा था भाई इसकी गोलियाँ कब ख़त्म हो कब ख़त्म हो। थैंकफुली ख़त्म हो गई, स्टन क्विक ड्रॉ तो ले लिया मैंने। वो जो बंदा है ना मुझे उसकी टेंशन है। हाँ जी अबे यार एमओ कम कैसे हो गई। साले ड्राइव बाय शॉटगन। अबे दोस्तों ये सफेदी क्यों छा गई थी। मैट मिनाटी ये तो नया नाम है। यार डार्क वहां देख लो यार, क्या टेंशन है। मेरा ड्रॉप कितने गया हुआ है।
3 हेलमेट एक्स्ट्रा है। भाई 13 के 13 बंदे लाइव हैं। मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। इधर गया सर्कल। हाँ ही अच्छा वो खेल रहा है। ये तो है नहीं है। पक्का इस शाख में बंदा होना चाहिए। लास्ट बिल्डिंग से भी कोई नहीं दिख रहा है। शाख तो क्लियर है। देख एक बंदा इधर, एक ये और एक इधर गोली चली। 3 तो ये हैं। और ये MK14 वाले भैया भी आ ही रहे। ऊपर तो कोई दिख नहीं रहा है। वो ये नई इन्फो। 1 2 3 4 कोई तो मरा। DRDM वाला तो नहीं मरा। इस बंदे को बाहर आना है 210 पे। कहाँ से बाहर आएगा ये मिनी वाला? ऊपर से आके तो कोई नहीं आएगा। एक BRDM में, एक उसके पास है, 2 तीसरा ये है। इतना अच्छा लग रहा है यार, कितनी पीसफुल तरीके से पीक कर सकते हैं। वरना भाई वो तो कभी बंद हो कभी खुले उस माउस में तो भाई मेरी हाथ में ही चूस ली थी ऑलमोस्ट। यार ये मिनी वाले को एंगल मिल गया है। इस पेड़ पे तो नहीं है। ये खेल गया मिनी वाला तो। घर वाले को भी आना है। ये निकला घर वाला। नहीं यार एक लास्ट को नहीं पड़ती। ओके ये कोई और ही मरा है। लैंस, एक BRDM, एक ही ट्रक में। बेटे प्रेशर तेरे पे है, पीक मैं करूँ। ओहो अभी वही है क्या? कर ले बेटे कर ले। आना तो तुझे ही है 11 सेकंड में। कर रहा है, कर रहा है।
अभी जितनी बार तेरी गोलियां चलेंगी उतनी बार तुझे लोग देखेंगे दोस्त। उसको एहसास नहीं हो रहा था। अब तो एक बुलेट के हो बेटे। बीआरडीएम से धुआं निकल रहा है फिर भी बंदा मान नहीं, बाज नहीं आ रहा। भ्रमण तो करके रहेंगे। यार देखो पोजीशन तो अच्छी है गाइस, 89 पीपल वॉचिंग, जल्दी से लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। बीआरडीएम वाला उंगली जरूर करेगा भाई। वो देख रहे हो वो देख रहा हूँ, मेरे को देख रहे हो सोलो। हाँ बेटे चैन की सांस ले ले तू अंदर बीआरडीएम में। यार चार बंदे हैं, एक बंदा और होना चाहिए। प्लस स्मोक क्यों नहीं है हमारे पास? और हाँ तू देखता रह साले, किसी और को मत देखो। अरे पीछे लगा है। ओहो शॉटगन पीरो। अजी भाई बॉम्ब भी है तेरे पास। मेडकिट मारते तो बच जाता सारा, नेट एकदम ही बम के नीचे फटा। यार जीतना था इससे यार, ओम भी साले के पास। बस इतनी डैमेज दैट इज भाई। C4 भी रखा हुआ है भाई भाई भाई, लोडेड होता है। अरे बचा लिया बीआरडीएम ने, अच्छा खेला था। मेरे को एम से लड़ना चाहिए था यार, बट मेरे को ये तो पक्का पता था नेट तो बेटे आने वाला है। बट मेरे को नेट सोच के ना पुश करना चाहिए था, बट फिर हील करता तो वो टेंशन थी, और मेडकिट मारता तो शायद मैं बच सकता था क्योंकि नेट डिले आया, नेट बाउंस होके गया। 1 HP बच जाते हैं मेडकिट से। कोई नहीं यार, अच्छा खेला भाई, सब इस्तेमाल किया उसने एंटी। ओम टोपी अच्छी थी यार ओम, अगर मैं फुल HP होता तो ओम से शायद नहीं मरता क्योंकि उसने चेस्ट शॉट मारा, बट 75 में तो डेड था भाई। बट मैच अच्छा था यार, मजा आया। गाइज अगर आपको मैच में अच्छा लगा फटाफट लाइक कर दो प्लीज। या बताओ 87 लोग देख रहे थे, ऐसा कैसे यार लोग लाइक करके नहीं जाते हैं? तो लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कम्प्लीटली फ्री है। विच न्यू माउस यू बॉट? प्रशांत आई बॉट अ 102 मिल्की माउस भाई, स्पेसिफिकली वाइट लिया मैंने, स्पेसिफिकली। मैंने कहा यार वो काले वाले में वो बात नहीं आती। यस्टरडे यू टोल्ड इफ माउस इज ग्लिचिंग लेफ्ट राइट बटन, व्हाट वाज दैट? यार वो ग्लिचिंग पता है इसलिए हो रहा था इस वाले माउस में कि इसका बटन थोड़ा पता नहीं वीक हो गया है या खराब हो गया है या क्या चीज़ है। आइडली लोगों के लेफ्ट माउस खराब होते हैं, राइट तो नहीं होता। राज वेलकम वेलकम। तो फिर मेरे को नया माउस लेना पड़ा, अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मज़ा तो आ रहा है।
अब कहाँ चले दोस्तों, लॉस लॉस जा सकते हैं यार, लॉस इज गुड। इमेजिन वी हैड लिंक्स, ओ भाई टपा टप 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 चलती फिर तो गोली। पर अच्छा गेम था यार, मजा आया। गुड जर्नी मोहम्मद शाफ, वेलकम वेलकम। हॉट ड्रॉप यार कर नहीं सकते राज, जब डीसिंग नहीं था तो डेली हॉट ड्रॉप कर रहे थे, या तो कोचिंग की मिलिट्री या फिर पावर ग्रेड या ऐसा कुछ जा रहे थे। पिकाडो तो कुछ ज़्यादा ही हॉट हो जाता है, तो इसलिए अगर अभी मैं हॉट ड्रॉप करूँगा ना तो बहुत गंदा डीसिंग हो जाएगा, एंड में इतना डीसिंग होता नहीं है भाई। उसको याद है सेकंड लास्ट बंदे को क्या पड़ा है भाई, उसका सिर यूं गया तो ऐसे सीधा था यूं ओम के शॉट से। नेक्स्ट लेवल अंकुर ब्रो, ओंकार वेलकम वेलकम। यार ओंकार ब्रो बुरा मत मानोगे यार, अगर एक आध चैट मिस हो जाए ना वो मैं स्ट्रीम पे क्या कहते हैं खेलते खेलते एक बार मिस कर जाता हूँ, ऐसा इंटेंशनली नहीं होता है। बजट वायरलेस लाइट वेट, हैव यू यूज एनी रेजर प्रोडक्ट, एनी थॉट्स? नहीं यार आई नेवर यूज देम, ऑल्दो माई फ्रेंड यूज अ लॉट ऑफ डेथ एडर करके कोई आता है रेजर में, ही वॉज अ बिग टाइम फैन ऑफ दैट माउस। टाइटली ख़राब होता है टू होल्ड टू ADS वालों का मोस्टली। अच्छा ऐसा होता है क्या, मेरे को नहीं पता था ना। सही है बट यार पता नहीं, मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि माउस इतना अच्छा चलेगा, बट अभी स्प्रे वेरे में पता चलेगा कि क्या सीन है इसमें। तो मतलब स्नाइपिंग में तो मुझे कोई इशू ऐसा लगा नहीं खास। मेरे तो 3 दिन से मिस हो रहा है चार रिकॉर्ड। सॉरी यार, यार एक बंदे ने ना थोड़ा एफ कर रखा था तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। अब मैंने उसके सोल्यूशन निकाल लिया है, अब हम आराम से चिल खेलेंगे। ऐसा है क्या आयान, उधर पर्पल प्लेटफॉर्म पे डार्क कुछ सिंक का इशू है क्या ऑडियो में? ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, और हो भी सकता है पता नहीं, ये लोगों ने तो कभी बोला नहीं, बट हो सकता है क्या पता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे अरे फर्स्ट क्लास, नो इश्यूज, कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं एक बार रिफ्रेश कर लो यार उधर, अगर हो रहा है तो ऐसा अभिषेक, नहीं तो यहीं एंजॉय करो। कितने का मिला माउस यार? अमेजोन पे 1500 का है शायद, 1495 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट भाई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मस्त है। बस ग्रिप थोड़ी सी वो है, मतलब अलग ग्रिप है माउस ये वाला, तो भाई इस पे तो टच करने का मन ही नहीं हो रहा साला, ये आदत बिगाड़ रहा है माउस मेरी। चक्कर क्या है, मेरी जो ग्रिप है ना वो पाम ग्रिप है, मेरी फिंगर टिप ग्रिप है ही नहीं। वो मोबाइल ट्विच का प्रॉब्लम है? ओ यार इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अननोन गेमर लैग हो रहा है, एक रेजोल्यूशन कम देख ले ब्रो, ट्राई टू गो फॉर 720p और 1080p, फिक्स हो जाएगा लैग। जिस जिसको होता है ना वो एक रेजोल्यूशन कम करता है एकदम सॉल्व हो जाता है, या थोड़ा सा स्ट्रीम पीछे से देख ले। हाँ झटका लगा ना तो वो थोड़ा सा पीछे से देख ले, सही चलेगी फिर स्ट्रीम थोड़ा सा, मतलब 5 सेकेंड 6 सेकेंड ऐसा। ये एक यूट्यूब का फिक्स है। ये इश्यूज आते हैं 4G वगैरह में, वाईफाई में मोस्टली ऐसा होता है नहीं, ऐसा सीन है। पर वाईफाई पे डिपेंड करता है आप कितना दूर हो अपने राउटर से, ये सब है। थोड़ा सा पीछे देख अपने पास देसी जुगाड़ है, कुछ नहीं होगा फिर। नहीं कृष्णपुर नहीं होती, DVR नहीं है ना उस पे, वहाँ पे सिर्फ लाइव चलता है, जो भी लाइव कर रहे होते हो आप। कि क्या क्या उठा रहा हूँ मैं बिना मतलब, भाई मैंने सुबह से जब ये आया 11 बजे तो मैंने माउस बंजी लगाया इसमें, भाई माउस बंजी लगाऊं माउस लेफ्ट राइट ना जाए, मैंने कहा ये क्या है, फिर भाई माउस बंजी हटाया, माउस बंजी को पेपर वेट की तरह यूज कर रहा हूँ अब। सही है वाईफाई में भी होता है, पता नहीं यार अनएक्सेबल 15 बीस में कैसे लैग हो सकता है।
वो भी लैन पे फिर भी हो रहा है, पता नहीं यार दांते फिर कैसे होता है, क्या पता है यार। इस की फ्रेम वगैरह भी सब सही सेम डाला है जो विंडो जो वो बोलती है। मेरा नेट का इशू हो सकता है यार, पता नहीं। मैंने सब करके देख लिया यार, 9500 kbps सब करके देख लिया। मैं हार मान चुका हूँ अपने इंटरनेट से। बट अजीब बात पता है क्या है, अगर आपको बफर हो रहा होगा ना तो बाकी लोगों को बफर नहीं हो रहा होगा, पता नहीं किसी अजीब सी बात है। अपना तो 4K चल रहा है फुल स्मूथ, ये देखो गौरव को देखो 4K। वो यार 20 बंदे और मर जाएं फिर जीजी करेंगे। खलीसी _77 ये तो कोई स्ट्रीमर है, आ जाओ इनके पास ही चलते हैं। 15 और रह गए, लो भाई बंदा ही आ गया। मेरे ऊपर है बंदा, मिस्टर टोपल M4 मिल गई, वो स्नाइपर भी मिल गई, नाइस। दो दो लेके घूम रहा हूँ मैं, ये हो गया ये हो गया। बैंडेड ही मार लेते हैं यार, और क्या क्या है, एक तो ग्रिप चाहिए। और ये बंदा कहाँ फाइट कर रहा है, ये बंदा फाइट कर रहा है मोस्टली यहाँ पे येलो के आसपास। अबे आज कुछ ट्रेंडिंग रेंडिंग में है क्या स्ट्रीम, ये चैट 69 कुछ ज़्यादा आ रहा है। ही जस्ट केप्ट वॉचिंग यू रियली, मे बी डिडंट एक्सपेक्ट मी देयर। ग्रिप चाहिए ना बस, इससे टीएक्स पे रख लेता काम आएगा। रेड डॉट, अरे इधर लगाओ ना नेड को, अब आएगा यही। मेरी कितनी है 73, इसकी 83। करके सीधा पुश करता हूँ, हाँ अभी सही है। चलो जय माता दी, ये कहाँ हो सकता है, बहुत एलिवेटेड आवाज है यार ये तो। मैं ना सैंडविच हो जाऊँ इन दोनों के बीच में, आपको शॉर्ट गन सर्जी उठाने मेरे को। कहाँ हो सकता है यार, इस बिल्डिंग में होगा मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ इसी बिल्डिंग में लगा तो पड़ा है भाई बहुत देर से। भाई कैसा गड्ढा बनाया, ये ऊपर नहीं जा सकते क्या इसमें से, किनारा के इसे कहते हैं मैप नॉलेज।
अबे भाई मार देगा भाई वो इतनी देर में। एक डेवलपर को फोन लगाओ जरा, उसे कहो बेटे तो इसी इसी मौत के घेरे में कूद, और वो बंदे को मार के बता जरा। कभी तो फायदा है प्लेन के। भाई क्या कौन रखता कुर्सी ऐसे, डर गया मैं। अमित भैया थैंक यू थैंक यू। भाई जॉर्ड है भाई, एम तो भाई मतलब माउस ओपी है भाई। यार क्या किया जाए अब दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विच ईयरफोन्स? एप्पल ईयरफोन्स 3.5 जैक चौधरी गेमिंग। भाई जी आज सब बढ़िया भाई, सुख शांति में है आज हम। इस मौत को क्लिप करो, कर दो कर दो। यार एटेक्स तो चाहिए, आ जाओ अब इनको देखने चलते हैं। लूट तो हमारे पास है, एक नीड और चाहिए था बस। 45 चलो। एक बार रेड जोन जाने थे क्या? नहीं कितना कहाँ पे, ये अब मिडिल में है शायद कहीं। एक है ना, हाँ देखो आवाज तो किसी की आ नहीं रही भाई। फिर से मौत के कुएं में नहीं जाऊंगा, मरते मरते बचे भाई वहां। भाई वहां पक्का पिक्सल ब्लॉक बनाया है जान पूछ। भाई कब से लगा पड़ा है ये ऊपर ही ऊपर, अभी तक एक बंदा नहीं खड़ा। नहीं रासिया दैट इज G102। सब कोल्ड स्टोरी में रहता है भाई, एम तो हिलता ही नहीं माउस में भाई, अटक जाता है सिर पे ही। बट ऐसा नहीं है गाइस, अटैचमेंट भी तो लगा रखे ना। चलाने वाले का भी तो फर्क है दोस्तों। चिंता मत करो, सारे माउस टेस्ट करेंगे हम, EC2A S1, उसके बाद G102। ये बराता श्री किस पट्टे पे है जो दिख रहा है या प्राणी? भाई रेड जोन का भी डर नहीं है उसे तो। उसकी बॉडी किधर है भाई, कहाँ चढ़ के बैठा है ये? और ये क्या चीज़ है? भाई से तो चाह के भी कोई नहीं मार सकता।
अरे भाई रेड जोन नहीं भाई, नहीं 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 भाई डर है भाई, डर है बहुत ज्यादा डर है भाई। मार डाला भाई, मार डाला लड़के ने। बंदा उतरने को रेडी नहीं है। पीक नहीं कर रहा तो क्या लगता है उतर के क्या दोस्तों? पैराशूट तो खुला नहीं कोई, क्या लगता है वहीं देख रहे क्या? ये भी बहुत ही रुक गई यार इसे पीक कर रहे। दिख तो कहीं नहीं रहा भाई, क्या ही स्नाइपर है, स्नाइपर को सीरियसली ले लिया लड़के ने। आई स्वेयर भाई पता नहीं कहाँ गायब हुआ है, इतना ओवर पिक कर दिया मैंने इसे। निकल गया यार वो, निकल गया वो शॉट तो निकल गया, अगर होता तो अभी तो दिख जाता, इतना भी क्या पेशेंस। निकल गया वो, कितना स्मार्ट है भाई, रेड जोन में निकल गया। साउंड आई ना, अरे भैया मेरी मौत है भाई, मेरी मौत है भाई, मरा मैं। एक में दोनों फट गए क्या? मैं जिंदा कैसे हूँ रे? ये कैसा C4 है जो ऊपर का माला फटा और नीचे का नहीं फटा? दिस इज नॉट वेरी रियलिस्टिक PUBG, व्हाट आर यू डूइंग मैन? आई वाज लाइक यार मैंने दो C4 तो लगाए हैं बट एक से दूसरा बारूद भी तो फटना चाहिए। देखो C4 हो और यूज ना करे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। ये देखो भाई पैर ही अटक गया था ऑलमोस्ट। चलना तो बढ़िया अंदर, गॉड बिल्डिंग में बंदा हो सकता है। दिस इज अनरियल इंजीनिस्टिक। अरे अरे हाँ हाँ आकाश RTX ना और कुछ, इमारतें गिरने लगेंगी पबजी की RTX ऑन में। कैन वी स्टिक अ C4 टू अ पर्सन? नॉट माय क्वेश्चन दो, नहीं वी कांट, वी कांट इवन स्टिक अ C4 टू अ ड्रोन। 5XG वाला बंदा नीचे है इधर, इस वाली गॉड बिल्डिंग पे फाइट हो रही है। जंकयार्ड चला गया सर्कल भाई, कुछ भी कहो यार मेरा मार है तो प्यारा मार, नहीं एक अलग ही फीलिंग है और लॉस में बिल्कुल बोरिंग भी नहीं लगता, कितना सही लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में जहाँ जहाँ फाइट हो रही है वहीं चले जाओ,
मैप ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये देखो यहाँ इसकी डेड बॉडी है, द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसका शिकारी कहाँ है, क्योंकि हमें शिकार नहीं होना है। अगर वो बग्गी पे बैठेगा भी ना तो भी मुझे एंगल तो मिल जाएगा। न्यू माउस ओपी यार अंकुर भैया, सच बताओ मेरे को लग नहीं रहा था इतना अच्छा माउस होगा। लाइक अगर कंपेयर करा जाए, देखो इफ यू कांट बाय ज़ूवी आई थिंक दिस माउस इज रियली गुड। आई एम गेटिंग दैट फीलिंग दैट आई माइट नॉट नीड द दिस वन, बट देन आई विल मिस ज़ूवी यार, बहुत साथ दिया यार उस माउस ने। यार इसका बंदा गया कहाँ, पैराशूट तो खोला नहीं इसने। मेरा मां टाइट फर्स्ट प्लेस विद रैंगल हो सकता है दांती भाई, हो सकता है। कॉड वॉरज़ोन मोबाइल रजिस्ट्रेशन, ओ भाई आप एक स्नाइपर मार देनी थी पहले। आई उस एक नेम माउस को जरा लॉन्ग रेंज टेस्ट किया जाए, अब तो ना पीक करने वाला है। यार वो बग्गी लेके क्यों नहीं निकल रहा, मेरे को प्रॉब्लम ये है। अगर वो बग्गी नहीं ले रहा तो हम ले लेते हैं। और ये डब्बा किसका है, लग भाई ये क्या है यार, ये पबजी का यहाँ रेड डॉट और मेरी, अब देखो अपने आप रेड डॉट लग जाएगा भाई। इट्स नॉट जस्ट अ डीसेंट इशू ब्रो, लगता है उसकी मृत्यु हो गई है दोस्त। उसने एक बंदे को पराजय कर दिया था, फिर वो भी लॉबी सिधार गया ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ये था सरप्राइज पत्थर, अब तो लग रहा है हम पहुंच जाएंगे इजी पीजी भाई। 28 में से एक जना मरा है, एक्चुअली दो, बाकी सब फेज 3 पहुंच ही जाएंगे मुझे लग रहा है। फेज 3 में कम से कम 30 से प्लस बंदे होने चाहिए, और फेज 4 में तो मजा ही आ जाएगा। गाड़ी होनी चाहिए थी यार, गड्डी वापस आ गई। दरवाजा बंद हुआ वहां से नहीं, पैकेट लॉस। ये किधर है, ये किधर है, बच गया लड़का। 1 HP मैं ऊपर जाके रिस्क ले सकता हूँ क्या, लेना नहीं चाहिए बेटा, हल्का सा एंगल और मिल जाता ना तो खत्म था।
यार कुछ भी गॉड ट्रैकिंग तो है भाई। पबजी बोलते हैं रियलिस्टिक गेम प्ले, ब्लैक जोन से घर डिमोलिश हो जाते हैं पर C4 से कुछ भी नहीं होता। ब्रो अंबुजा सीमेंट का नाम सुना है आपने? स्टिकी बॉम्ब से वॉल रीक कर सकते हैं पर C4 से कुछ नहीं होता बिल्डिंग्स को। देखिए यार ज्यादा रियलिस्टिक हो के भी ना गेम फिर हो जाते हैं। माउस की तारीफ मत करो सुन लेगा वो। हाँ बात सही है। क्या प्लान है? देख एक तो इधर है, इस तो रिज पे, एक ये, एक इधर नाच रहा है और एक इसके अंदर है। मोस्ट प्रॉब्ली इन 21 में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, हमें बस इंतजार है कि हम किस किस से मज़े ले सकें। ये विलेज पुश करना ना इतना मुश्किल है, और कोई अंदर बंदा हो तो। भाई ये तो लगा पड़ा है बंदा, ये मेरे पास आएगा पक्का। हैं जी अटक गया था, अटक गया। भाई रोटेशन देख रहे हो कितनी हो रही है, सब अपने नया घर ढूंढ रहे हैं। कहाँ जाए भाई, जग गोरी ना बरस जाए। एक तो जोन से निपट गया, एक और जोन से निपट गया। अरे बाप, ये कौन है? ये किस पत्थर पे, याद रखेंगे। भाई कितना प्यारा माउस व्हील है भाई, एक बारी में तमीज में क्लिक। वहां तो साला एमी एनिमी इधर उधर क्लिक पे क्लिक करते जाओ, साला मार की नहीं होता था। यहाँ तमीज में एक बारी में मार, ये नए माउस का अलग ही फायदा है भाई। भाई बहुत दूर से शॉट आया तुझे। सब लगे पड़े कैसे न कैसे जीतने के लिए, कोई तो होगा ऐसा। आना तो इसे ही है, इस बंदे को सर्कल से ही बाहर है इसके वाला। ये दोनों आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। भाई इतने कहाँ मार रहा है इसके शॉट, बार बार भाग रहा है क्या ऊपर? ये ऊपर वाला बाहर है क्या? नहीं ये तो अंदर है सारे। ओ इस पे लगा पड़ा है, इधर का बंदा। इन दोनों की 1v1 हो रही है बट मर नहीं रहे दोनों कोई भी। अब इसको याद आ रहा होगा 21 सेकंड बची है तो निकल लेता है। इस जोन के 15 सेकंड के बाद ना सब इंटेंस हो जाएगा। आएगा तो सही है, पैदल तो नहीं आना चाहिए। यहाँ एक बंदा होना था। ओ ये रहा, ओ एसकेएस वाले को नाम है प्रिज्म। ये गया इसके पीछे। अब प्रिज्म भैया को याद आया होगा कि लेट्स गो टू सर्कल। ओ हम भी आ गए। 1 2 3 4, चार बंदे पता है पर दो तो भारी हैं जो उनके। ये तो नहीं आ रहा, तो एसकेएस वाले का सीन देखना मुझे क्या सीन। मेरी बैक क्लियर होती है ना मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। रिज आई नहीं रहा है, उठाना बोलाओ क्या सर्कल शिफ्ट हुआ है। मैं उसको किसी और ने मार दिया भाई। जी जी कौन मरा? प्रिज्म 84, येलो वाला मुझे तो नहीं देख रहा। येलो वाला तो खुद अपना बचा रहा है। तो खराब भला हो
स्मार्ट मूव माय गाय, स्मार्ट मूव। अब बेटा तुझे भी आना है, अब तू अपना बता। मैं तो ऑलमोस्ट सर्कल में हूँ। पीक पे पीक ये जा रहा है, लगता है चौटा लग गया है। लग गया क्या? हाँ लग गया है। होम वाला इज नो मोर। और करो बेटे सीधे मुंह करके पीक। इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं था दोस्त। भाई ओम वाला तो मुरझा गया एकदम। पता नहीं भाई रिकॉइल बैन वैन ना हो जाऊंगा। वेयर इज माय रिकॉइल? नेट ना मार दें अभी, जाना इसको भी जाना मुझे भी। नहीं पर ट्राई कर सकते क्या? यार ये दोनों तो लड़ते रहेंगे। यार ये बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है। हेलो आ जाओ बाहर। ये बचा दे। नहीं यार तेरा दो बार सेकंड आ गए यार। यार मैं उसे नहीं मारता, वो मुझे तो पक्का मारता। एक सौ थोड़ा सा आगे और करना चाहता। स्मार्ट था यार ये, इसने पीक नहीं करा। हाय अरे यार एफ। कोई ना अच्छा गेम था ब्रो। नहीं हो पाएगा यार गेमिंग, आई एम प्लेइंग सोलोस ब्रदर। ऑलमोस्ट कवर ही आ गया था, थोड़ा सा टाइम दे। यार मेरी गलती है, दूसरा स्मोक अच्छा डालना चाहिए था। दूसरा स्मोक बहुत अंडर हैंड डाल दिया ना, वो गलती हो गई। थोड़ा सा और दूर डालते बहुत सही मजा आ जाता भाई, उसके कवर में गेम निकल जाता। यार वो स्मोक थोड़ा एफ हो गया, वरना सही था, गेम मस्त था। भाई ये कैसा माउस है भाई, इसमें रिकॉल विकॉल नहीं है क्या? पता नहीं, नेक्स्ट गेम ट्राई करते हैं भाई। ये कुछ ताबड़ तोड़ माइक माउस आ गया भाई, पता नहीं यार बहुत सेक्सी गेम जा रहा है इसमें तो। मेरे को बस बुरा इस बात का लग रहा है कि उफ क्या हो रहा है, न्यू माउस से तो कह डा रहे हो भाई। दैट बाइक गाय गॉट इज एज सेड बाय ओ भाई भाई ऐसे तो हाँ ट्रू, ये तो है शेडी। एंटी एंटी कोई ना, अच्छा गेम था यार भाई। अब ये वाला गेम, ये वाला मैप खेलते हैं,
अच्छा गाइस अब ये बताओ ये वाला मैप खेलना है कि नहीं खेलना। इसमें यार मतलब नेक्स्ट लेवल कैंपर्स होते हैं, तो इफ यू वांट मी टू प्ले प्रेस वाई, इफ यू डोंट वांट टू सी दिस मैप प्रेस एन। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यार देखो इसमें जीता जा सकता है, बस थोड़ा कूल हेडेड खेलना पड़ेगा। जीत तो इसमें भी सकते हैं बताओ। नहीं व्हाई डू यू गाइस हेट दिस मैप ब्रो। चलो रुक जाओ स्टार्ट होने दो पहले, फिर लीव करेंगे। प्ले टाइगो यार देखो वियडो इसमें ना सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो जो मैप आएगा वो खेल सकते हैं। जैसे इफ यू स्किप दिस वन विल गेट नेक्स्ट वन, इट कुड बी रैंगल, टीएगो, डेस्ट्रॉन। डेस्ट्रॉन तो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, मोस्ट लाइकली मिरामार रैंगल में से कोई होगा। 57 ज्वाइंट, यार स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब लीव करते हैं। अब जब रीगो करेंगे तो मोस्टली प्रेमो नहीं मिलना चाहिए। माउस कितने का है? 1500 का, 1495। अरे भाई मेरे को यार आई वॉज वेरी मच अटैच टू दिस माउस भाई, बहुत ही प्रीमियम था यार ये। साला अभी तक देख रहे हो इसकी, वो देखो तुम माउस फीट तक खराब नहीं हुए, स्क्रैच भी नहीं दिखेगा तुम्हें इस माउस पे। तो भाई फिर भी यार राइट क्लिक का एफ, क्या ही कर सकते हैं दोस्तों जी। 105 नहीं 102 है, 102। मुझे हमेशा से ये माउस ट्राई करना था, हमेशा से। मेरे को दो माउस बहुत मन था कि मैं हमेशा लूंगा ही लूंगा एटलीस्ट ट्राई करने के लिए। तो एक था G102, ये क्योंकि ये लेटेस्ट आया है, ये सबसे नया वाला है। और एक जब मेरे को ट्राई करना था राइवल 100 वाइट वाला, बट वो राइवल 100 कहीं मिला नहीं, वो भी बहुत भाई बहुत सही माउस था। अरे भाई दांते कहाँ यार। मिरामार निखिल वेलकम वेलकम। ट्रेंडिंग जी जी हाँ यार आज ट्रेंड पे है स्ट्रीम लग रहा है। जब 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 ट्रेंड पे होती है ना वो चैट वाला बंदा आता है स्ट्रीम में, जब ट्रेंड पे नहीं होती है तब वो कमेंट्स में आता है, ऐसा कुछ लगता है मुझे। हाउ कैन वी अप्रिशिएट यू। अरे 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 राज माउस का गोपी बहू की तरह एक बार धोके तो देख लो, ऑटो फायर करने लगे। ओ भाई यार सही माउस है यार, ये हम रिकमेंड क्यों नहीं करते भाई। बस मुझे एक शिकायत है पता है, अगर ये जो माउस फीट है ना ये बड़ा होना चाहिए था यार। मतलब ऐसा क्या जा रहा था इसके माउस पैड और इसमें। अब यार मेरे माउस पैड भी माउस लोबी वाले और इसमें डिफरेंस है, इसके थोड़े वैसे हैं सॉफ्ट हैं, उसके ख़त्म हो चुके हैं शायद, पता नहीं भाई। जो भी ऑल इन ऑल मुझे लग रहा था वेस्ट होगा 1500, बट वर्थ इट है भाई, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी डूड। अब पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है चलाने वाले में टैलेंट होना चाहिए या माउस में, क्योंकि मेरे को कोई डिफरेंस ज्यादा लग नहीं रहा। लॉजिटेक का स्टिकर आर, अरे कहाँ भाई अभी तो बहुत दूर है यार हम, उसके लिए तो वैलोरेंट करना पड़ेगा, वैलोरेंट या GTA। क्या ट्रेंडिंग? अरे स्ट्रीम स्ट्रीम ट्रेंडिंग पेज। आई हैव ट्रिक टू रिप्लेस योर लॉजिटेक माउस। अरे भाई नहीं यार अभी तो नहीं लिया है। अरे बोला था मैंने अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकला भाई, मजा आ गया। इसका सेंसर बढ़िया है बट इसका बटन खराब होता है क्लिक इशू आफ्टर सम टाइम। अरे भाई लॉजिटेक है ना वो, तो फिर आप सर्विस सेंटर में दो और हाथ के हाथ नया मिल जाता है, एटलीस्ट दिल्ली में तो ऐसा ही है। अब पता नहीं ऐसा पहले तो था कि आप ले जाओ माउस पैड और अगर क्लिक का इशू आ रहा है तो वो आपको सील ओपन करके नया माउस दे देंगे, तो इतना इशू नहीं है। कोई मॉड नहीं है चैट में, आपको ही करना पड़ेगा, एक करके पिन कर दो चैट में। क्या चीज़ क्या पिन करना है? ये माउस वाला कमांड तो अपडेट कर देते भाई। मैं यार मेरे से रुका नहीं गया, मैंने कहा भाई स्ट्रीम पे पहले टेस्ट करेंगे, पहली किल भी स्ट्रीम पे ही हुई है तो मेरे को बस टेस्ट करना था। कर देंगे यार वो भी अपडेट कर देंगे, ऐसी क्या बात है।
एक अभी वो आया नहीं ना बिन वनो एन माउस बनाया था, मैं बना दूंगा। पबजी स्टेट मोबाइल पीसी जैसा ही है। हाँ सही में भाई, सुपर पीपल चाकू कैसे खेल रहा है? नहीं खेल सकता यार, वो आप लोग ना कोई वीडियो देखते हो और फिर आप बोलते हो सुपर पीपल खेल रहा है। आज भी ट्विटर पे अपडेट आया था सुपर पीपल का, दे स्पेसिफिकली सेट कि वी विल लॉन्च ऑन 11th। आप वीडियो देख के आ जाते हो, वो वीडियो लाइव नहीं है, वो पुरानी वीडियो है। फिर भी अगर कैलकुलेट करें 4-5 आ जाएंगे जूवी वाले के प्राइस में। हाँ ये तो है, ये तो है। बट यार ये परफॉर्मेंस टिकनी चाहिए। अगर ये ऐसी कोरियर कर सकते हो सर्विस सेंटर वारंटी क्लेम के लिए, वो कोरियर पे हो जाता है। सही है। अरे दिल्ली में तो वो है ना सर्विस, कौन सा है कोई, तो मेरे को नाम खुद याद नहीं आ रहा। एक सर्विस है, उससे क्या है भेज दो, सेम डे डिलीवरी हो जाती है, सेम डे वापस भी आ जाता है। लाइक ऐसा भी है कि आपकी पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ तो है पोर्टर, पोर्टर नाम है दिल्ली में उस सर्विस का, एप्लीकेशन का। तो उस पोर्टर से भेजो, समवन विल कम पिक योर माउस, टेक इट टू द सर्विस सेंटर, पिकअप अनदर वन इफ द सर्विस सेंटर गिव्स इट टू यू, एंड देन ही विल ब्रिंग इट बैक। ऐसा अब जाएंगे हम ड्रॉप के लिए, ठीक है? पर पहले हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी की जगह हमें पास बग्गी है। अरे यार यहाँ पे बंदा उतर गया। अरे यार डीसिंग ना हो जाए, 93 लोग हैं। बहुत आवाज कर रहा है लड़का, लगता है फाइट वेटी का। तो हेलमेट और चाहिए। छत पे एक हेलमेट, दिख तो नहीं रहा यार ये। डंजो, हाँ डंजो भी है, डंजो भी है, बट मैंने कभी यूज नहीं किया शायद डंजो, नॉट श्योर। अब इसको पता है मैं कहाँ हूँ। कमाल है भाई, एक हेलमेट नहीं है, मिस तो नहीं कर दिया मैंने हेलमेट। हैव यूज पोर्टर मेनी टाइम्स, इट्स मेनली फॉर हैवी स्टफ ट्रांसपोर्ट। नहीं, उसमें एक ऑप्शन होता है वो वाला बाइक वाला, वो सही ऑप्शन है। है तो ये उस तरफ ही, मेरे पास तो डेफिनेटली नहीं है। ओह फाइनली नाउ आई फील सेफ। तो बता भी दिया पीक नहीं कर रहा। क्या रीजन हो सकता है यार वो पीक नहीं कर रहा? मेरा ड्रॉप लेट करवा देगा या और कुछ नहीं। हेलमेट नहीं है, डरा हुआ है। अरे जय 6 बटन एक्सप्लेन करो ना, 6 बटन है ही नहीं है क्या? अरे हाँ 1 2 3 4 5, 6 बटन नहीं बट 5वां है। ये कौन सा बटन? ये डीपीएस साइकिल का बटन है क्या? शायद डीपीएस साइकिल का है। काश यार इस बटन पे कुछ और लगा सकते भाई, मैं तो मेडकिट लगा दूंगा इस पे, बट अभी मैं दबा नहीं रहा इसको, मतलब
आई नो मोरल ऑफ द स्टोरी का कुछ नहीं है, ये सब हाथ का जादू चलाने वाले के। हाँ भाई सच है, अब तो मुझे भी लग रहा है चलाने वाले में होना चाहिए तो माउस कोई सा भी हो। सेल्फीड लगी तो नहीं है सेल्फीड। एनजी ताकतवर मटका था, गाड़ी फंस गई थी मटके के पूना टायर के अंदर चला गया था। यार सेल्फी नहीं होगी दोस्तों, भाई ये पहले अपडेट नहीं थी पता है, ये बहुत टाइम बाद इन्होंने एक अपडेट डाली। जस्ट अनरियल इंजन थिंग्स। बस माउस वन पे ना थोड़ा डिफरेंट है, मेरे वाले पे थोड़ा हल्का सा प्रेशर लगता था, इस पे ना बहुत सॉफ्ट है, एक हल्के से प्रेशर से गोली चल जाती है। ये डिफरेंट है थोड़ा सा। यार देख मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर द एडवाइस। मैंने सिर्फ थ्रू आउट माई लाइफ मैंने एनवीडिया यूज़ किया है, तो आई वुड से गो विद एनवीडिया, यही बोल सकता हूँ, बट AMD का मुझे पता नहीं है। और एनवीडिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनवीडिया में मैं तेरे को ये बोल सकता हूँ कि इसमें एक एनकोडर आता है दैट इज़ इन 20,000 सीरीज एंड 30,000 सीरीज विच इज़ NVENC, जो ग्राफिक कार्ड के ऊपर लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि स्ट्रीमिंग में हेल्प मिलती है काफ़ी, पिक्चर क्वालिटी क्लीन होती है वगैरह वगैरह। अब इसकी वजह से इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द टू आई विल यूज NVIDIA ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने पहले यूज़ किया, बट AMD का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है लाइक वो कैसे काम करता है। उसमें भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंपोर्टर होता ही होगा और वो सब मेरे को पता नहीं है, तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस। ब्रिज में बंदा है। FPP और TPP, FPP और TPP बेटर, दोनों ही अच्छे हैं यार, डिपेंड करता है आप कौन सा खेलते हो। इफ़ यू आर मोर इनटू TPP यू लव TPP मोर। और हमारी 130 करोड़ पॉपुलेशन में काफ़ी लोगों ने TPP ऑलरेडी खेला हुआ है। इस तरह का यार ये, और ये भैंस के अब मोटर किसने डाल दिया, माँ कसम मोटर वाला भाई गॉड बंदा था भाई। उस मोटर से पलटी ना मेरी कार बेचारी, इसकी भी उसकी वजह से पलटी। सही जगह लगाई है भाई मोटर, दिमाग लगाया लड़के ने। ये ससुरा बंदा है कौन है, अरे भैंस की आँख, ये वही है बेटे, ये मोटर वाला ही है। लूट लूट लूट, मैं चुपचाप आके निकल जाऊंगा, ना किसी को बताऊंगा ना कुछ, तो आराम से लूट बेटे, मैं चुपचाप उस पार चला जाता हूँ। मैं क्या, ये टेढ़ी गर्दन वाला कौन है, चलो भाई जय माता दी। ब्रो स्टिल वेटिंग फॉर द सेनोक बूट कैंप पैंजर, पता नहीं यार मेरे को लग रहा है 20.1 में वीकेंडी डालेंगे, पता नहीं कौन सा मैप उड़ाएंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मोस्टली हेवन जाएगा शायद ना, हेवन नहीं कौन सा मैप डाला हुआ उन्होंने, परे वो
प्रेमो को उड़ाएंगे, विकेंडी को लेके आएंगे 20.1 में। बट यार सेनोक है एशिया में, है साउथ ईस्ट एशिया में भाई। गाड़ी तो इसकी भी गिरनी चाहिए प्लीज भाई, इसकी तो इस बार आ गई। मोटर इनविजिबल तो नहीं हो जाती थोड़ी देर बाद? ये रुकेगा क्या नहीं भाई, ये तो शान शौकत से निकल लिया। हम हमारी गाड़ी में कौन से, वो एक और आ रही है, एक और आ रही है, एक और आ रहा है बेटे आज। अबे ये कहाँ जा रहा है भाई, ये कहाँ जा रहा है, जज्बात ही बदल दिए इसने तो भाई, आते आते मुड़ गया यार। कोई तो आओ पूछो, अगर उस वाले उस पे दो वो लगा दो क्या कहते हैं मोटर। ओ भाई गजब, 35 बंदे बचे हैं भाई। ये लोकेशन देखो, ओ ओ भाई दिल दुख गया भाई, बंदा गिर के मर गया यार, वो बेचारा क्या सही पोजीशन पे बैठा था भाई। बर्ग मतलब गिर के तो नहीं मरना था यार, थोड़ा उधर लेफ्ट राइट हो जाता भाई। ये क्या देख लिया, ये ड्रॉप तो अपने भी होगा शायद भाई, उसका दर्द मुझे यहाँ तक फील हो रहा है। वो 1 HP हो गया होगा यार, कहाँ ही ड्रॉप दिया भाई। पर कितना हवा सा माउस है, हल्का सा हिलाओ पूरा हिल जाता है, वेट ही नहीं है भाई यार। चेक करूँगा मैं कितने ग्राम्स का माउस है मेरा, कम से कम 70-87 ग्राम्स तो था, आई थिंक 90 ग्राम्स था मेरा। ये वाले का तो भाई हवादार माउस है। एक मैंने G402 यूज़ किया था, वो तो फिर भी काफ़ी हैवी था, मेरे को लगता था EC वाला मेरा जोवी वाला हल्का है, ये तो भाई गॉड है भाई। आ जाओ कोई तो, गाड़ी नॉर्मल रुकी हुई, कहाँ क्या करें, अंदर चलते आ जाओ। ड्रॉप दिख रहा है क्या भाई, गाड़ी ढूंढो यार, ऐसे तो बोर हो जाएंगे वेट करते करते। अब मैं यहाँ से हिलूँगा और इतनी देर में यहाँ बनना आ जाएगा डेफिनेटली। इसको क्लिप करके डाल दो, ये पता है शॉर्ट्स में चल जाएगा कूल कूल, मेरे को ऐसा लगता है। अगर इसको शॉर्ट्स दिखा रहा है, ये डेफिनेटली शॉर्ट्स में चल जाएगा। मैं डालता हूँ एक, वो भी तो है या मैंने बुक मार्क करा हुआ है, वो वाली याद है स्ट्रीम, पता नहीं आप पोल कुल उसमें थे कि नहीं। एक दिन हम TPP देख रहे थे, एक बंदे ने गेम में कार स्पॉन करा दी और हम सब मतलब हंसे उसकी लोड पोर्ट भाई, ये कैसे हो सकता है। यार मैं उस तरफ नहीं जा सकता ना, ये देखो ये रहा गाड़ी का, भी चलेगा आ जा मेरी तरफ ही आ जा। चलो बढ़िया, अब मुझे ये देखना है कि अगर ये मेरी तरफ आता है अभी ये कहाँ जा रहा है भाई, उसको ड्राइव बैक करना है वहाँ पे, यहाँ मैं इंतजार में बैठा हूँ। लो भाई ढह गया वो वहीं, आएगा तो सही है। बताओ फेज 1 है फेज 2 है, शर्म सी आ रही है, फेज 2 में 22 बंदे, बताओ कहाँ कहाँ लड़ मर गए यार। इस मैप को ना सब डिलीट कर दो, एक एक सीजन के लिए ना, आधी सीजन के लिए चलो, एक सीजन ज़्यादा हो गया, सिर्फ इरेंगल रखो, फिर देखो जैसे क्या तादाद बढ़ती है। वो रुक गया,
साइलेंट जा रहा है ब्रो। वहां है एक बंदा ऑलरेडी शायद। भाई इससे तो अच्छा पहले सी था यार। तुम बोल रहे थे टैगो खेलो टैगो खेलो, और ये तो हाल नॉर्मल का है। अगर तुम रैंक में देखो तो भैया इससे बुरा हाल है। फेज वन में गायब बंदे, फेज टू में फिर तुम ढूंढोगे बंदे। हर समय बीत गया वो आया नहीं। भाई हम ही चल पड़ते हैं भाई, उसे तो आना नहीं, हम ही चल पड़ते हैं दोस्तों। अभी 19 ट्राई हार्ड होंगे, इसमें से कम 14 लोग तो बचेंगे। अरे वो अभी भी वहीं लगा पड़ा है भाई। बूस्ट है कि? ओ भाई यार हीलिंग नहीं है भाई, ये कैसी लूट है मेरी जो हीलिंग ही नहीं है। ये कौन है? ओ वाओ ये सही है। टैग भी हो जाओ, गन भी उठा लो और सर्कल में भी चलो इजी पीजी। ये कब मरा? इसकी तो आवाज नहीं आई थी। बहुत जगह आवाज आ रही है। दो सर्कल के बाहर है, एक मेरे राइट में, एक ड्रॉप पे लड़ रहा है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अ ड्रॉप फाइट, एटलीस्ट कुछ अपग्रेड भी मिल जाएगा। अरे भाई 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 यार, बट बिठल एक बात बताऊँ, बहुत मतलब एक वो ड्रीम होता है ना गेमर का कि भाई एक पीसी लेना है एकदम ओपी ओपी, और बड़ा स्कोप नहीं है। ये पीसी मेरा वो पीसी है, ऐसा सीन है। और ट्रस्ट मी, आप भी अपनी जर्नी शुरू करो, यू विल ऑल्सो बी एबल टू टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नीड। तभी हिला था इसमें, इतनी देर से मुंडी स्ट्रेट रखा था तभी हिला एक ना सके। साइकिल से निकल लिया क्या? वो देखो भैया, तो साइकिल की आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाय राम, बच कैसे गया ये? कोई बंदा तो नहीं है? नहीं, पेड़ है पेड़ है। सर्कल में भी नहीं है ना, इस घर में था यार। मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पता है दो चीज़ का, एक तो राइट क्लिक ग्लिच नहीं हो रहा, और दूसरा ये जो मार्क लगाओ मार्क लग रहा है भाई एक ही बार में, सो हैप्पी। और एम तो पूछो ही मत, एम तो पूछो ही मत दोस्तों। Have you recently killed Vaki in Miramar? Did I? I don't know. I need to check. मर ना जाऊँ मैं चेक करते करते। PUBG report. Maybe. Why this guy have definitely killed me, brother? This guy definitely killed me. While I was checking. यार नहीं चेक करना चाहिए था, गलती हो गई। अबे भाई बहुत ही, चलो कोई नहीं यार, इसका गम नहीं है इस मैप का। अगली बार थोड़ा हॉट ड्रॉप ही देखते हैं भाई, सॉफ्ट में तो बंदे पहले ही सॉफ्ट हो जा रहे हैं। कोई ना कोई ना। वन फोर्टी पिंक का कमाल है भाई, ऐसा कोई कमाल नहीं है भाई। अभी हॉट ड्रॉप करूँगा तुम्हें दिख जाएगा कितना डिसेंट है। आ जाओ थोड़ा पबजी रिपोर्ट देख के आते हैं, बहुत सारे पबजी रिपोर्ट्स आए हैं पता नहीं कैसे। मे बी शायद इस टाइम स्ट्रीमर्स खेलते हो,
आई डोंट नो, लेट मी चेक, पहले जरा वो कर लूँ मैं, माइक ऑफ, साउंड ऑफ, फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को। कौन सा मैप आया है? रैंगल। चलो बढ़िया है, इस टाइम पे रैंगल बड़ा मिल जाता है, जब हम खेलते रात को तब नहीं मिल रहा होता। ओके, किस किस को मारा है टुडे? ओम, ये कौन है? ओ ये तो वो बंदा है जिसको हमने कल रात मारा है दोस्तों, ये वो बंदा है। गेस्ट ऑफ वॉइस टेंपर है क्या? ये कौन सी लैंग्वेज है? तुर्किश तो नहीं है? ओ वंदे बॉय बनी पर में बैर नहीं यार, ये है क्रिटिकल मोशन। ये कौन था भाई क्रिटिकल मोशन? ये वो तो नहीं है जो लास्ट वाला था सोलो मिरमार टुडे? ये वही होगा क्रिटिकल मोशन जो लास्ट वाला बंदा था। अरे ये वही है। ओ भाई क्या वेबकैम डाला हुआ है लड़के ने। भाई ये वेबकैम तो सही है यार, डायमंड शेप। ये तो हम भी ट्राई करेगा। अरे जीजी सही खेल गया लड़का। कैलिनेस वाला रिएक्शन, कैलिनेस वाला भाई सब नाच क्यों रहे हैं? बढ़िया बढ़िया गाइस, लाइक करते जाना यार फटाफट फटाफट। 74 पीपल वाचिंग, 127 लाइक, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। कहाँ चले गाइस? देखो दो जगह हैं, एक जार की एक पोचिंग की यार, बट एंगल मिस हो जाएगा यार। अबिन वेरी गुड मॉर्निंग, और सी स्ट्रीमर है। ओ यार एम तो इम्पोर्ट हो रहा है परसेंट। बताओ दोस्तों कहाँ चले? क्या बात कर रहे हो भाई, जार की बंदे जाते हैं यार कोचिंग की। यार एक एक अच्छा सा खेलेंगे फिर कोचिंग की मिलिट्री करेंगे, ठीक है? क्या बात बात सब भाई, वेलकम वेलकम। भाई मजाक नहीं, जार की जाते हैं लोग भाई। वो देखो लाइट आउट उतर रहा है अभी। ये वेयरहाउस का बैड हुए, ये पहले तो नहीं थे वेयरहाउस शायद। भाई लो एक की तो मौत है भाई, वो तो पिस्टल लेके घुस गया। नहीं ये कौन सी गन है भाई? नहीं कौन सी गन है? अच्छा स्कारल। ओके वैसे मुझे 800 में ट्राई करना चाहिए, बट अभी मैं सबसे ही चल रहा है तो धीरे धीरे कम करूँगा। 800 में मेरा एम और बेटर हो सकता है। अरे भाई क्या हुआ? अने वेलकम वेलकम बागल, क्या चीज? गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग। आ गया लड़का।
एयरफोन नहीं दिखा। अरे एक हेलमेट मिल जाता तो क्या चला जाता। हाँ हो सकता है अभी वो लाइट हाउस वाले तो परेशान करेगा नहीं। भाई राम पकड़ ये क्या वैसे ही पकड़ता है क्या भाई ये क्या मजाक है। हाँ जी अच्छा ये पाइप की वजह से शायद नहीं पकड़ रहा होगा फिसल रहा होगा हाथ। अबे भाई अभी आग जल जाती तो हो जाता। ब्रदर ब्रदर फ्रेंडली ब्रदर आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली। गया बेटे तू गया ठाकुर तो गयो ठाकुर तो गयो हैं। हाय राम क्या हो गई भाई क्या मजाक है यार पूरा तो गैस कैन घुमाया था भाई। भाई यार ये क्या मजाक है मेरे को डेथ कैन देखना भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। व्हाट भाई बंदा 360 मार के चला गया। अरे भाई 75 HP जला कैसे नहीं है। अबे गैस ही नहीं जली। हेंजी वही ये कैसा एम है क्या भाई क्या था ये कैसा 360 एम था भाई 180 था वैसे तो। ये कैसा रिएक्शन है भाई आश्चर्यचकित अगर है तो ये है ब्रो। देख मेरे से तो गैस जली नहीं थी इसके नेट से गैस जली ये तो पक्का है बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये 180 जो मारा है भैया ने भैया एम कब करे भैया ने तो सिर्फ एम स्प्रे सब एक साथ कर दिए। देख यहां तक आया अभी तक इसको कानो कान कर भाई जब इसने गोली चलाई है रिप्ले यार रिप्ले में भी सेम ही आएगा ब्रो जो डेथ कैम होता है वही रिप्ले होता है। भाई क्या है यार इसको तो गेम प्ले देखने लायक होना चाहिए था भाई ये कैसा एम था ब्रो। मतलब जब उसने अपनी गन चलाई है ना तो मैं बिखर रहा हूं तब कि मैं मर चुका हूं ऑलरेडी और पता नहीं मेरे को तो गैस भी नहीं लगी थी। भाई तगड़ा डी सिंह भाई तगड़ा और 97 HP इसी को मार नहीं अच्छा 97 इसलिए हुई क्योंकि उसने पहले भी टैग खाया था। ठीक है ठीक है भाई इसलिए मैं दूर उतर रहा हूँ आजकल जब से 2 दिन से अपडेट आई है होली यार वो है वैसे आनंद डी सिंह की सच बताऊँ ऊन वोन तो कुछ नहीं है। मतलब जब ऐसा होता है ना कि बंदे ने फेयर फाइट में जीता होता है तो मैं बोल देता हूँ कि अच्छा हाँ इसने अच्छा मारा है चीटर भी नहीं था वो फर्स्ट लास्ट वो डी सिंह का ही इशू है और ये सबके साथ है अभी रहेगा 1-2 दिन कल परसों से ही हो जाएगा। यार गेम खराब करवा दिया उसने इसका क्या जुगाड़ था इसका जुगाड़ ही था उसके एम में पीक मत करो और बस होल्ड करो लेट हिम प्ले। कोई ना बारह रैंगल आया मस्त। अब हमारे पे 2 ऑप्शन है एक है पोचिंग की और दूसरा है मिलिट्री ट्राई कर सकते हैं पर थोड़ा दूर दूर से खेलना पड़ेगा अप क्लोज एंड पर्सनली नहीं खेल सकते इसमें। पोचिंग की जाएंगे यार पोचिंग की आएगा नहीं कोई गैस 2 ऑप्शन है पहला लिपोव का और दूसरा ससनोव का। ठीक है मिलिट्री एम और लिपोव का मैं चूज रुक जाओ मैं वो करता हूँ पोल करते भाई पोल का ऑप्शन
भाई पता नहीं क्या पोल हो गया। देखो पोल तो हो चुका है, यस वोट करो अगर मिलिट्री, नो वोट करो अगर लिपोव का, जल्दी यस फॉर मिलिट्री, नो फॉर लिपोव का। भाई मैं बना ही रहा था इससे पहले, हो भी गया। जल्दी जल्दी शेल्टर, शेल्टर या थोड़ा सेफ हो जाएगा ब्रो, बंदे जल्दी मर जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ डीसिंग में थोड़ा सा ऑर्डर ड्रॉप करके पीछे खेलें, थोड़ा पैसिव और मिलिट्री क्लियर करें जैसे बाकी लोग करते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग हैम ऑन देम। रैंडम किया, परफेक्ट परफेक्ट, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट फटाफट। वेटिंग आइसलैंड ये वाला पता है, मैं एक दिन यहाँ से कूद के पता नहीं बोट लेके और मैं स्पॉन आइसलैंड गया, और मैं इतना बेचारा हम्बल प्यारा बंदा, यारे क्या पता व्यूवर्स बोल रहे हैं, क्या पता ओपी ओपी लूट मिलती हो, स्ट्रक्चर भी है, क्या पता लेवल 3 मिलती हो। भाई इतना बोला था मैं, वो रॉकनी को देख के उन्होंने कुछ बोला कि स्पॉन आइसलैंड जाओ, स्पॉन आइसलैंड जाओ, भाई आते आते वापस मैं पानी में मारा, याद ही नहीं आया कि अरे भैया यहीं तो उतरते हैं, क्योंकि कभी ध्यान नहीं जाता ना कि यहाँ हो आप। ये भी हो चुका है, गैस कैन ठीक से नहीं लगा था यार, लगाया तो अच्छा था, पता नहीं क्या कमी रह गई गैस कैन में, पता नहीं क्या कमी रह गई, जलना तो चाहिए था यार, और मैंने उसको कनेक्ट भी किया था इधर उधर से कि कहीं मिस ना हो जाए, पर पता नहीं फिर कैसे नहीं चला, कुछ तो गलती हुई होगी तभी। पबजी मोबाइल में मिलती है लूट, अच्छा तभी फर्स्ट में इमरजेंसी पिकअप मिलता है, ये तो मजे ले रहा है मैथफुल। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मिलिट्री, चलो भाई मिलिट्री चलो, परफेक्ट मिलिट्री चलते हैं, यही चीज़ें तो बाद में याद आएंगी। अरे 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 कोई तो था भाई उस दिन, याद नहीं है मुझे किस व्यूअर ने बोला था, पूरा कन्विंस ही कर दिया भाई सब ने कि नहीं नहीं चलो भाई चलो। यार कितना मस्त स्क्रोल व्हील है भाई, इस वाले का थोड़ा सा स्लो था, देखो कितना स्लो है, बहुत रिजिड था, इसका तो एकदम फ्लो है बिल्कुल। जोवी को अपना स्क्रोल व्हील इंप्रूव करना चाहिए। आओ मिलिट्री चलते हैं, शिप पे भी जा सकते, 30% हो तो गई उसकी हेल्थ, जस्ट द डीसी किल्ड यू वरना वो डेड था। यार उसकी हेल्थ ना पता है उससे कम हुई थी पोल गैस कैन से जितना मुझे याद है, बट मेरी गोलियों से उसकी एचपी कम नहीं हुई मेरे हिसाब से, शायद मेरी तो गोलियां शायद उसे लगी ही नहीं जहां तक तो मुझे याद है, और हमारे स्क्रीन में हमने उसे गोली मारी थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, एक बार दोबारा देखोगे ना तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा, हमारी स्क्रीन में हमने उसे गोली मारी थी, उसकी स्क्रीन में गोली से पहले ही मैं मर चुका हूँ, ये चीज़ है यार, अपडेट नहीं होता ना, अब मुझे जो अपडेट होगा मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। एफ हो गया, यार मुझे ऐसा लगता है डेवलपर ना पबजी खेलते नहीं है, ऑनलाइन को समझ में तो आ ही जाए, पर फिर यार ये भी रहता है ना कि जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है, बोली बात होगी। मेरा भी रजिस्टर नहीं हो रहा, अरे वो सब एक सबके में एक ही होगा ब्रो, गुड बॉय सबके में ऐसे ही होगा, लाइक यहाँ पे भी हर जगह है वो सबके लिए, SEA, कोरिया, NA, ऐसा धीरे धीरे आप देखोगे एक दो दिन में एकदम सही हो जाएगा, बट यार ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ये तो मैं रोज़ खेलता हूँ तो मुझे डिफरेंस पता लग जाता है,
जो मतलब दिन में हफ्ते में 2 बार खेलता होगा उसको क्या ही पता लगता होगा। उसके लिए सोचो वो 2 दिन आए, जिस दिन डीसिंक है वो तो वापस ही नहीं आएगा भाई अगले 2 हफ्ते। ये आई थिंक और किसी गेम में इशू नहीं है मेरे ख्याल से, एपेक्स वगैरह में तो शायद मोस्टली, क्योंकि मैंने किसी को कहते हुए सुना नहीं एपेक्स वगैरह में कि ये इशू है, पबजी का ही है मोस्टली। तो आ जाओ बंदे देखते किधर है, ऊपर से देखते हैं, तो स्कोप नहीं है ना। और क्या मस्त मस्त M4 सब है, मिलिट्री में लेवल 3 भी बड़े आराम से मिल जाते थे, अब नहीं है। एक स्कोप, हाँ ये देखो, ये बस लूट में बड़ा दिक्कत है, वो फ्लो नहीं है जो मेरा वैसा फ्लो था। भाई एक आवाज नहीं कर रहा, मेरी लेफ्ट वाली बिल्डिंग में बंदा है और जो एक आवाज दे रहा हो, दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए। चलो भाई कुछ तो आवाज आई, एयर फोर्स नाम है इसका। हेलो ब्रदर, हेलो, हाँ जी भाई क्या क्या हुआ था ये भाई, पता नहीं भाई, खतरे से खाली भाई, मेरे को तो पता नहीं चला गेट कब खुला, गोली कब आई, मैंने तो गेट ही बंद कर दिया भाई, मैंने कहा देखा जाएगा, जादू हुआ। हाँ राजेश सेम, पबजी खेलते आपको कितने साल हो गए? यार 3 साल तो मिनिमम हो ही गए होंगे भाई, ये भी लॉक एंड लोडेड है लड़का। ओह सी4 ई4 भी है, मैंने ये देखा है बैरल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल बंदे। यार मुझे उस बंदे से फाइट करनी है, स्टेयर्स तो क्लियर है, ये वाली स्टेयर्स। लिंग वगैरह भी है ना, तो 7 टावर्स में बंदा दिख रहा, गाइस तुम्हें राइट क्लिक में कुछ फर्क दिख रहा है क्या बहुत ज्यादा? मुझे बस ये फर्क है कि मेरे को पूरा स्कोप करने की जरूरत नहीं है, पहले ही दिख जाता है, या फिर पता नहीं ज्यादा क्लीन मतलब ज्यादा जल्दी है, मेरी स्नाइपिंग इससे बहुत बेटर हो सकती है। क्या पता, गाड़ी देते हैं आगे। 2020 तो मैं ही देख रहा हूँ ज्यादा नहीं खेला यार मैंने ये गेम, में कभी कभी खेलता हूँ दिव्यांश। ईयरफोन कौन से? अनीश एप्पल ईयरफोन्स 3.5 जैक वाले। गाड़ी नहीं है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? उधर भी गाड़ी नहीं, इधर भी गाड़ी नहीं, इधर गाड़ी होगी जो, फोन तो 2-3 है। एक यार वो बंदा अभी भी होगा पता है, देखो यहाँ तो गाड़ी नहीं है, इस तरफ भागते हैं,
एक ने गाड़ी इस तरह पक्का मिलेगी, सर्कल भी दूर है यार, इमरजेंसी पिकअप भी नहीं मिला। विच माउस? दिस इज G102 ब्रदर, G102। यूट्यूब में भी डीसिंक है तो मैं पर्पल में आ गया। क्या मजाक भाई, गाड़ी लेके भाग गए क्या लोग? ना लेफ्ट गाड़ी ना राइट गाड़ी। एक स्पॉन यहाँ होता है पता है, पीछे यहाँ पे येलो पे, जब पहले खेलते थे तो यहाँ पे भी एक बंदा होता था हमेशा, एक बंदा हमेशा मिलिट्री के बाहर। जो बंदा जीतता था उसको पेल के उसकी लूट लेके फरार। अभी भी कितने सारे लोग पीछे वापस आ रहे हैं यार, एनए में तो रोज वापस आ रहे हैं। ये बग्गी है क्या? ये पत्थर है, मेरे पीछे तो नहीं भाग रहा कोई। डाउनग्रेड डाउनग्रेड तो नहीं कह सकते यार, ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस आ रही है। फील इसकी ऑब्वियसली बेटर है। रैश क्या है? इतनी जल्दी बंदे फुड़क लिए? अरे सर्कल दूर है ना, भाग लिए पहले, ब्रिज काम कर रहे होंगे। एक ना एक तो पक्का ब्रिज पे होगा, एक गाड़ी मिल जाए बस। बूज भी तो नहीं है यार। यू नो व्हेन आई गॉट माई न्यू माउस आई समहाउ स्टार्टेड हैविंग इनपुट डिले एंड स्टफ, बट आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ लिविंग माई माउस आई रियलाइज माउस का नहीं, मेरे आर्मरी क्रेट का इशू है। आर्मरी क्रेट का इशू मतलब वो क्या होता है? आर्मरी क्रेट डीसिंग क्या होता है? अरे एक टाइम पे दोनों को सेम चीज़ ना दिखना, जैसे मेरी स्क्रीन में मैं उसको मार रहा था, उसकी स्क्रीन में वो मुझे मार रहा था, और सिंक्रोनाइजेशन दोनों का सेम नहीं था, वो होता है डीसिंग। जैसे मैं आपसे हाथ मिलाऊं बट आपका हाथ आगे चला जाए, और मैं जब मेरी स्क्रीन में मैं हाथ चला रहा लगा रहा हूँ तो मतलब हाथ मिला रहा हूँ तो हाथ मिल रहा है, ऐसा मतलब सिंक्रोनाइज ना होना दोनों चीज़ें। जैसे एक सर्वर है वो मीडिएटर है, उसमें दोनों मैं भी अपलोड कर रहा हूँ अपना डेटा, वो भी अपलोड कर रहा है अपना डेटा, बट सिंक्रोनाइज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। भाई क्या पूरा ही भगाओगे क्या भाई? पूरा प्लेन भाई देखना क्या बकवास है, कहीं गाड़ी नहीं, भागते हुए जाना पड़ेगा। यार वो मुझे नहीं पता क्रॉकटिक क्या होता है, बट मेरे को बताना मतलब होता क्या है, मेरे को तो ये जानना है। मैंने तो पहली बार लाइफ में ये चीज़ सुनी है, आर्मरी क्रेट। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताना भी क्या चीज़ है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई डोंट प्ले पबजी बिकॉज इट्स स्लो फॉर मी। और ड्रॉप कर लिया कर यार, पता है स्लो कैसे है? स्लो इसलिए है क्योंकि यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ पीपल राइट, बट अगर आप फेज वन में हॉट ड्रॉप करोगे या तो आप मर मिटोगे या आप मार मिटोगे, इट वॉन्ट बी स्लो फॉर यू, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। आइडियली इनको दो काम करने चाहिए, सुपर पीपल और वॉर जोन को देख के इनको सर्कल की स्पीड बढ़ानी चाहिए, और साथ के साथ प्लेयर इनको 100 से 150 कर देना चाहिए सर्वर में। आई स्टिल रिमेंबर जब हम पबजी खेलते थे और बंदे सीरियस खेलते थे, मतलब सीरियस एज इन कि काफ़ी बंदे अलाइव होते थे। वो देखो नाम भी देखो, अनइंस्टॉल नाउ, क्या क्या नाम रखते भाई। तो द गेम वुड बी सो मच फन, लाइक जैसे मैं अभी आराम से जा रहा हूँ ब्रिज क्रॉस करते हुए, यहाँ पे एक बंदा होना ही होना होता, बट अब ब्रिज कैंप भी लोगों ने कम कर दिया, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा विन ओरिएंटेड हो गए, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा किल ओरिएंटेड हो गए, तो ऐसा रहता है। मूवमेंट के लिए अब तो मूवमेंट बहुत तेज है भाई, इससे तेज तो भाई फिर स्पीड हैक ही होगा फिर, या तो फिर वॉर जोन की मूवमेंट, क्योंकि अब मूवमेंट तो काफ़ी तेज कर दी है उन्होंने यार। बंदा है क्या? बट पबजी जो आपको सेटिस्फैक्शन देगी ना, आप एक किल भी लोगे अगर वो बॉट नहीं है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई एश्योर यू। बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यार कि आप पहले पबजी डाउनलोड करोगे, फिर उसके बाद उसे ओपन करोगे, फिर आपको इच्छा रहेगी कि यार मेरे 3 दोस्त भी हों क्योंकि मेरे को स्क्वाड खेलना है, क्योंकि इसमें 3 मोड हैं, सोलो डुओ स्क्वाड।
तो अब आप ये तो है नहीं कि आप वन मैन स्क्वाड खेलना शुरू कर दोगे, तो आपकी इच्छा रहेगी कि यार मेरे साथ कोई हो जो मेरे साथ खेले, मेरे को भी मज़ा आए, बातचीत करके हम दोनों साथ में खेलें, मैं नॉक हो जाऊँ तो रिवाइव करे, वो पॉसिबल नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वहाँ तो या तो चाइनीज़ आएंगे या फिर बॉट आएगा या फिर कोई आएगा ही नहीं, तो हार फिर हार आप स्क्वाड ही घुस जाओगे, ये सीन है भाई। कहीं तो गाड़ी दे दो, कहीं तो गाड़ी दे दो, कहीं तो गाड़ी होगी, इतनी तो हील भी नहीं है मेरे पास। ये गाड़ी देखी थी क्या? कोई मेरे साथ खेले, साथ में खेले। अरे भाई आर्डी, अभी मैं बहुत जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, बहुत जेन्युइन चीज है ये। लोगों ने पबजी छोड़ा ही इसलिए मोस्टली तो कि भाई साथ खेलने वाला नहीं कोई। एक सर्वर होता था UIG करके इंडिया में, अभी भी शायद हुआ, वहाँ पे लोग साथ मिलके पबजी खेल लिया करते थे, बट अब कुछ वो नहीं है ना। How's the new mouse? Seems good bro, seems good. ये बगी वाला वापस का है आ रहा है ब्रो, दोनों में कहाँ जा रहा है? हाँ तो भाई पबजी ने पूरे किलोमीटर नपवा दिए भाई, मैं भी था UIG में, अब गेम छोड़ दिया। अरे मस्त सर्वर था यार UIG, थोड़ा टॉक्सिक लोग थे उसमें कुछ कुछ, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। फिर उन्होंने एपेक्स आया था, एपेक्स के लिए भी एक वो मेरे को याद है, उन्होंने वो बनाया था, ओनर ओनर भी काफ़ी डेडिकेटेड था भाई बंदा। फिर आर से कुछ काम था शायद, कह सकते हैं उस बंदे ने मतलब लिटरली काफ़ी बंदे जोड़ दिए थे। अब तो खैर एपेक्स के अपने खुद के सर्वर्स हैं इंडिया में, कोई तो एक स्ट्रीमर है उसने बना रखा है एंड ही मैनेजेज इट, तो क्वाइट गुड मिल जाते लोग। ऐसा होना चाहिए पता है, इंडिया में एक सर्वर होना चाहिए जिसमें सारे गेम्स खेलते हैं लोग, चाहे वो वैलोरेंट हो गया, जैसे पबजी वालों का है, वो पबजी वालों ने ऑफिशियल बना रखा है, अब उस ऑफिशियल में एशिया वाले भी हैं, SCA वाले भी हैं, ऐसा गेम को ही बना देना चाहिए। बस उसमें SCA वाले नहीं है, SCA वालों में क्या हो जाता है कि अपना अपना है, वरना सारे इंडियंस अगर उसमें डाले ना तो कोई ना कोई बड़े आराम से मिल ही जाए लोगों को, सीन है। ऑफिशियल वाला सर वो बहुत सही है, बहुत मॉडरेटेड है, तब आराम से उसमें लिख भी देते हैं वगैरह वगैरह। गोल्डी भाई पबजी खेलते थे? अच्छा हाँ गोल्डी भाई वो वाले, मुझे लगा SU12 वाले, ये आप उनकी बात कर रहे हो गए जो गोल्डी हिंदी गेमिंग, आई रिमेंबर भाई आर्ट फर्स्टेड लड़की कुंडला लड़का। हम भी ले लेते हैं भाई, स्मोक नहीं है भाई, स्मोक तो चाहिए चाहिए, चाहे कुछ और हो ना हो। आ जा यार स्मोक, क्या हो गया भाई? दो तीन फर्स्ट एड गिरा दो, बट स्मोक आ नहीं रहा, क्या दिक्कत है? आ गया होगा, अरे 6 स्मोक आ गए भाई, दो दो करके पैकेट लॉस में पता ही नहीं चलता स्मोक आ नहीं रहा आ नहीं रहा, पता चले 6 आ गए धीरे धीरे। चलो बाइक वाइक मिल गई, अब अंदर जाएंगे। गोल्डन दिन में आई यूजिंग योर ईयरफोन माइक? नहीं यार मैं तो BM-800 यूज़ कर रहा हूँ। ईयरफोन का माइक यूज़ करूँगा कहाँ, खून की गंगा बहेगी चैट में। अबे ये क्या हुआ, मेरे को पता नहीं चल क्यों नहीं रही बाइक। जाने भी दो यारो, अब तो पहुंच जाएंगे अंदर इजी इजी। चिल आउट ऑफ जोन भाई, अब जाके तो बाइक मिली दोस्त, अब हम लहराते लहराते फटाफट अंदर जाएंगे। उसी बाइक में गैस भी है, चलो ये अच्छी बात है।
अब अंदर जाने से पहले आवश्यक है कि मेडकिट मार ली जाए, क्योंकि बंदे तो मिलेंगे दोस्त। भाई ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे को, बाइक पे जो लगा हुआ है। क्या दिन थे वो, गाड़ी में बैठती पटाक एंड अ पर्सन इज लाइक भाई ये क्या मजा है। जाना किधर है? अब या तो मेरे लेफ्ट बंदा होगा या राइट बंदा होगा, एक जगह तो पक्का बंदा होगा। इस घर में मोस्ट लाइकली हमेशा एक रहता ही है। नहीं होली मोली ब्रोकन प्लेन पे बंदा होगा मोस्ट। आइसक्रीम के पास लड़े हो रही है। ब्रोकन से आवाज आ जानी चाहिए अभी तक, अगर दो होते तो एक ही होगा। मेरे को तो घर में लड़ाई करनी है, बस मुझे पता होना चाहिए वो घर के अंदर ही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और घर हो गया बाहर और एक घर अंदर ही है। जय माता दी, लेट्स गो बेबी। अबे क्या बकवास है, जी तो कोई नहीं रहा आज में, ये सुख शांति का है भाई। अब आते रो एक भी नहीं कर रहा है। मुझे लगा एक बंदा तो होगा। अटक गया ससुरा में, चटाक पड़ा है उसे तो। इस घर में बंदा होना चाहिए यार, इतना बंदा क्यों नहीं है, इतनी सुख शांति कहाँ है यहाँ। इधर इधर से देख रहा हूँ, भाई
लो भाई हो गया कांड इसका, तो हीरो बन रहा था बट पीपी हो गई पीछे से। पीपी मोस्टली शेफ में बंदा है जिसने पीपी करी है। और बनो हीरो। शेक वाला पीक नहीं कर रहा, पता प्रॉब्लम ये है। ओ वो भी मर गया, वाओ सबकी लाशें बिछ गई भाई। कहाँ चला MK14 चलाए क्या यार? MK14 में वो मजा नहीं है। यार मैं तो सोच रहा हूँ ऑटो ही चलाते हैं। यहाँ सिंगल ही चलाते हैं सही है। अभी नया नया मामले क्यों बना, मतलब मजे लेना। जो और बंदे आएंगे वो कहाँ से आएंगे देखना पड़ेगा। उसका स्कोप भी था 6x है ना। हाँ उसको गिरा दो। एक और 4x भी था उसका, वो भी था कॉम। इसको कॉम को लेके आ जाओ, पुश करते हैं। नेट नहीं है ना, एक नेट ले लो उससे। नहीं नहीं नेवर माइंड, एटेक्स अपने को चाहिए नहीं। अगर ये एक बंदा मरा है, एक वो हो गया, एक ये हो गया, दो। अच्छा ये दोनों मिल गए, लॉल। ये है कहाँ ये वेक्टर वाला? वेक्टर वाला तो येलो पे है, दूसरा वाला कहाँ है? पहले वेक्टर वाले को मारते हैं, जोन के बाहर है। अभी जो दूसरा वाला है ये कहीं तो है। ओ मेरा दिख का ही नहीं रहा है। ओ भाई गैस थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, नए नए माउस है इसलिए, बट मजा आया गाइस। इफ यू एंजॉय द गेम मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक। सेकंड कंपनसेटर वहां भूल गए आप? हाँ बट ले लिया मैंने बाद में, मुझे याद आया कि एक और कंपनसेटर था नसीब। अरे नहीं यार मैंने देख प्री फायर दिया उसको नीचे बैठ के, मैंने कहा गोली तो लगी रही होगी, मार ही लेते हैं। मजा आ गया भाई। बंदा छोड़ो मैकलेरन चलाओ, वाह। अब देखते हैं, अब थोड़ा हॉट ड्रॉप का फील आ रहा है, अब करते हैं। वैसे इसमें भी हम मिलिट्री गए थे बट बंदा ही एक ही मिला फाइनली चिकन। हाँ दो बार सेकंड आए फिर अभी चिकन। 800 DPI कर लो। हाँ करनी चाहिए वैसे 800 DPI, बट अभी हाथ सेट होने देते हैं, देखते हैं। अगर सेट हो गया तो 16 ही रखेंगे क्योंकि 800 बहुत स्लो लग रही थी इसमें। इस वाले में बिल्कुल सही थी, पता नहीं माउस फीड का इशू है या क्या है, क्योंकि इसमें माउस फीड बहुत बड़े हैं, इसके तो भाई बिल्कुल ही छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे। पता नहीं यार इसमें बड़ा क्यों नहीं डाला, मेरे को समझ नहीं आया माउस फीड से क्या ही नुकसान हो सकता है। बट जो भी कहो यार बहुत ही प्यारा माउस लगा मेरे को तो, इस प्राइस पॉइंट में तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ हाँ नया, बस मैंने लाइट ऑफ कर रखे हैं। यस राहुल कल रात को ही बोला था मैंने ऑर्डर कर देंगे, कल यार परेशान हो गए थे भाई। स्कोप बंद हुए जा रहा था बार बार, आई एम लाइक और पेशेंस नहीं है अब इस माउस के साथ। परसों रात यार ठीक हो गया था अपने आप ही, पता नहीं कैसे। मैंने कहा क्या पता ठीक हो गया हो, बट ऐसी चीज़ ठीक होती नहीं है भाई, वो सुबह तुम्हें सिर्फ गुमराह करती है। गुमराह वो रिलोड कर रहा जितने रैंच ऑलरेडी 5 फायर कर रहा भाई, वही तो। बट उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो बहुत ओपन में, मतलब उसको पता होना चाहिए था मैं वहाँ हूँ, बहुत ओपन में पकड़ा गया हूँ।
अच्छा अब बताओ कहाँ जाना है। देखो पैलेस जा सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट यार देखो डीसिंग तो हो रहा है, तो अगर तुम चाहो तो हम पैलेस जाके हॉट ड्रॉप कर सकते हैं, वरना ये जो जगह है येलो वाली ये भी अच्छी जगह है, और होसैन भी जा सकते हैं। होसैन इज लाइक बहुत सारी बिल्डिंग 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 में वर्सेस वर्सेस, और येलो भी वैसा ही है, बस येलो थोड़ा कम बिल्डिंग। तो बताओ हॉट ड्रॉप करना है या सॉफ्ट ड्रॉप करना है, तुम्हारे ऊपर है, कुछ नया करना है। शिपयार्ड तो बहुत दूर है यार, शिपयार्ड बहुत दूर है, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा वहाँ। मैं कौन सी जगह लेके जाऊँ, फिशिंग कैंप में मज़ा नहीं आता यार, फिशिंग कैंप में बंदा दिखता नहीं मुझे, कहीं भी छुप जाते हैं। हुसैन वैसे अच्छी जगह लग रही है, कुछ नया हॉट ड्रॉप देख, टर्मिनल जा सकते हैं, बट टर्मिनल में यार पता नहीं, बुकसान भी वैसे हॉट ड्रॉप है। नेम ऑफ माउस ब्रो G102 ब्रदर, लगता है अब इनका मैच फाउंड हो गया। ओ भाई 402 इज हार्डली 500 मोर। यार पता है मेरे विकास ब्रो, मेरे मन में तीन माउस थे, ठीक है एक्चुअली चार, पहले मेरा था 102, फिर मैंने कहा अरे यार थोड़ा सा ही तो और है 402 ले लेते हैं, फिर 402 देखा, क्योंकि मैं 402 में यूज़ कर चुका हूँ, और G400 मेरे पास ऑलरेडी है, G400S, तो मेरे को ये था यार ये तो थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा है, और क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं G40। फिर मेरे को एक माउस दिखा G302, मैंने कहा वाह वाह वाह, फिर मेरे को ये आया कि यार एक ही बार अब बाहर से क्या मंगाना, एक बार यहीं से ले लेते हैं S1 ही ले लेते हैं जोवी। फिर मैंने जोवी से बात करी, तो जोवी वर लाइक कि हम कल बताते हैं आपको देख के कि कौन सा हमारी इन्वेंट्री में अवेलेबल है। तो अभी पता चला है, मैसेज आया है जो हमारे पास जोवी में अवेलेबल है इनके पास, वो है FK1+-B। ये मोस्ट लाइकली करंट लेटेस्ट तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट लेटेस्ट बोल सकते हैं, जो अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल नहीं है माउस, जो नया नया शिपमेंट आया है। तो ये चीज़ है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ प्लस माइनस बी कौन सा है, पता नहीं देखना पड़ेगा, अभी जोवी की वेबसाइट खोल के देखेंगे। लास्ट में उतरो और एफ के, और मेरे को ये था कि यार ये माउस ना बहुत लोग पूछते थे कि ये माउस कैसा है कैसा है, तो मैंने सोचा कि एक बार, अभी ये कैसे आ जाता बार बार, ये कैसे आ जाता बार बार यार, हद है नया नया आईडी बना के। चैट 69, ये कौन सा माउस है, कौन सा ये कौन सा जोवी वाला, ये नया FK1+-B करके है, मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद एक्स्ट्रा लार्ज वाला माउस है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बंदा आया है देखते हैं, आई गॉट MX Masters 2S इन द सेल भाई, मैं पता है ऑलमोस्ट S1 ऑर्डर करने वाला था, फिर मैंने बोला यार 6500 जाएंगे, इससे अच्छा एक बार पूछ लो, ऑर्डर तो एक दिन बाद भी हो जाएगा, बट मुझे पता था यार 2 दिन के लिए फिर क्या करेंगे, तो एक माउस तो ले ही लेते हैं, G102 ऑर्डर करते हैं, क्या पता अच्छा निकल जाए, और फिर बात को बाद में देखते हैं कैसा। और मुझे इससे प्यार सा होने लगा है धीरे धीरे, मजा आ गया भाई, यही उतरा था शायद, बस लूटिंग का इशू है, पता नहीं लूटिंग मेरी इतनी धीरे कैसे हो गई इस माउस में, धीरे भी नहीं पता नहीं, फटाफट नहीं जा रही, शायद ग्रिप का असर है, ग्रिप नहीं बैठी अभी पूरी माउस में। नहीं गन तो मैंने जानबूझ से रीलोड नहीं करी थी, मुझे मारने के K9 से था, मुझे देखना था कि शॉट लगेगा कि नहीं। आप श्रीमान को कैसे जानते हो, यार मैं जानता तो नहीं हूँ, बट आई एडमायर हिज वर्क ऑन यूट्यूब, उन्होंने मुझे उस टूर्नामेंट में देखा था, क्या नाम है वो, कौन सा टूर्नामेंट था, अमेज़ॉन प्राइम का टूर्नामेंट था ना, तो उनकी बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्लिप्स हैं उसमें, तो मे भी शायद उनको वहाँ से याद रहा होगा मेरा नाम। आई नेवर मेट हिम पर्सनली, आई वुड लव टू, इज़ वन ऑफ द स्ट्रीमर्स हु आई वुड लव टू मीट,
if I go for an event or something. कुछ ज्यादा नहीं है मुंह उठा रखी 7 6 2 की 5 5 5 माउस के नीचे सरसों का तेल लगाओ स्मूथ हो जाए भाई. ये सब नहीं लगाना भाई, मुझे दोनों चीज से प्यार है, माउस और माउस पैड. चलो भाई एमओ एमओ मिल गई, एक यूज करते हैं. कॉम भी मिल गया, 4x भी है, सॉर्टेड मामला है. आज ड्रॉप के लिए निकलते हैं. आई थिंक एक ही बंदा आया था ना लेवल 2 बैक तो नहीं थी जो मैंने मिस कर दिया. बट यार क्या मजा आ रहा है, मतलब मेरे को मजा आ गया भाई शॉट मार के. अरे भाई कैंसर आदमी यार, ये तो उतरा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से चलता हुआ आ रहा है. ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं यार, इनकी वजह से ना पबजी मतलब सीरियस खेलना पड़ता है. देखो कहाँ कहाँ से पता नहीं भागते हुए आया है, कहीं और कहाँ से आया ये, यहाँ तो इसने कुछ लूटा नहीं था. मैंने भी यार बाहर से इसकी वजह से ये जी जी उठाता है कैंपर. नाइस पीसी लैग होने तो भी सरसों का तेल डाल देना. अरे भाई ऐसे नहीं यार, नहीं वो आइडिया तो सही दे रहा है निखिल. वेलकम वेलकम. आज मजा तो आ रहा है, एक हॉट ड्रॉप करते हैं हम, देखते कितना डीसेंट है. ओनली यू एंड श्रीमान टिल डेट प्ले द पबजी पीसी. बहुत स्ट्रीमर्स है यार राहुल, बहुत स्ट्रीमर्स है मैं बता रहा हूँ. ओ भाई फाइनली अच्छा मैप आया. इस मैप पे कहाँ जाए, बक्सली बक्सली चलते हैं. बक्सी में बहुत सारे बंदे आएंगे. अभी ट्विटर पे अपडेट आया था इसका, पबजी डेवलपर्स का, कह रहे भाई हमने ना ब्लू चिप की फॉन रेट कम कर दिया है. भाई मेरे को तो ब्लू चिप दूर दूर तक गेम में नहीं दिख रही, लेजिट बता रहा हूँ गेम में नहीं है ब्लू चिप, मेरे को ढूंढने पे भी नहीं मिल रही. वैसे ये है पबजी वाले बिल्कुल उसमें हैं ब्रो, अंदर चले जाते हैं यार. मुझे ये था मैं उसे मार दूंगा बट पता नहीं मेरी आंखों में वो दिखा नहीं, चले तो जाना चाहिए था अंदर. बट मुझे अब एम पे इतना अपना ज़्यादा भरोसा हो रहा है ना नए माउस के चक्कर में, अब तो आन दो. गेमिंग पीसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना अफेक्ट होता है यार, क्या ही बताऊँ तुझे इन बातों में क्या ही रखा है ब्रो, छोड़ उन बातों को. बहुत होता है यार, दे बहुत सही रीज़न है, अ लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स डोंट डू डुअल पीसी स्ट्रीम, बहुत फर्क पड़ता है. यू विल सी अ लॉट ऑफ एस्टैब्लिश स्ट्रीमर्स यूजिंग देयर लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग इंस्टेड ऑफ डुअल पीसी और ट्रिपल पीसी. तो उसका रीज़न ये रहता है इलेक्ट्रिसिटी एंड द काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन इट गिव्स यू, तो वो सीन रहता है. जितने लोग बीजेएमआई खेलते हैं सब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर तेल लगाते हैं. हाँ मैंने पता है वो देखा था टूर्नामेंट, कोई सा तो टूर्नामेंट हो रहा था जो टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था, तो कोई तो उसमें से एक बंदा था निंजा करके, वो बंदा कुछ तो पाउडर वाउडर भी लगा रहा था स्क्रीन पे. ऐसा होता है यार इनका मोबाइल वोबाइल पे कुछ होते हैं. देन अनदर पर्सन वाज लाइक यार मैं तेल लगाऊं तो मेरे से तो एम ही ना हो पाए, मैं तो पाउडर यूज़ करता हूं. तो सबके अपने अपने तरीके हैं. इफ यू ट्राइड बीजेएमआई यार मैंने ट्राई नहीं किया कभी भी, फ्रैंकली बोलूं तो ना ही कभी मैंने इंस्टॉल किया, क्योंकि अगर मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करूँगा तो फट जाएगा ऐसा मुझे लगता है. वो बेचारा मेरा फ़ोन 4-5 ऐप चला दो तो गर्म होने लगता है कई बार, या चार्जिंग के बाद गर्म हो जाता है. उस पर गेमिंग करी तो भाई पता नहीं क्या ही हुआ उसका यार, कितना रियलिस्टिक है भाई इसके, यहाँ पे देखना फील ही आ जाए. आओ बक्सी चलते हैं, कोई ना कोई तो आएगा. इम्परफेक्ट मैं दिल्ली से हूँ ब्रो, आप कहाँ से हो? नहीं नहीं जस्ट मजाक नहीं कर रहा, फर्स्ट ला सही कह रहा हूँ, वो स्क्रीन के हिसाब से बता रहा है. बट पता नहीं यार उसमें माउस नया माउस है, क्यों बिना होता रिस्क लेना, और स्क्रीन की बात अलग है और इस पे तो पता नहीं आई थिंक रबर है या प्लास्टिक है क्या पता.
कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? एक किडनी बेच के उसे बदले में मिलने वाला आईफोन ले लो, अरे वो 1.77 वाला। अरे भाई पहले उतर गया लड़का, गन भी मिल गई क्या इसको? भाई निकल लो, मौत से बढ़िया है जिंदगी। दो दो बंदे आ गए भाई, इनकी लड़ाई होगी ना फिर वापस जाएंगे। चलो भाई लूट तो हो गई। ओह शिट, मेरे पास भी बंदा है। M4 ना हमेशा बेट करती है भाई। अब वो बराता हमारे किधर है? पीक भी तो नहीं कर रहे यार ये, पीछे चला गया। अरे नहीं यार, ये एंगल पे पकड़ा था उसको। राम कोने में बैठ गया था, नहीं तो जय माता दी करवा देते भाई। 5-5 तो उठाओ ही मत भाई। ओहो ओजी प्लेयर था ये। एक 4x तो चाहिए भाई। पहले पी लेते हैं, थोड़ी एचपी तो पूरी हो जाए। वो बंदा देखेगा जो सामने M249 चला रहा था, उसको पता है मैं यहाँ हूँ। होता है कौन बात क्यों आ रहा है?
मार दिया भाई। भाई बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया था मैंने। काहे नहीं कर रहा है क्या? ऑन नहीं है क्या भैया? नहीं लालच में तो बिल्कुल यार M4 के अटैचमेंट तो थे उसके पास। वो आया नहीं ना जो उसको मार रहा था दोस्तों। क्या नाम है? मर गया क्या? हाँ लेस नाम है। टैग तो लगा होगा। हाँ गया यार। एक तो ये पीक भी तो नहीं करता ना। बाहर एक एंगल लेके बैठा होगा। फ्री किल चाहिए लड़के को। मेहनत नहीं करनी थी इसलिए। डब्बे की भी चाहिए। माँ कसम हाइड एंड सीक खिलवा लो उनसे। मर क्या गया वो? पता नहीं मरा तो नहीं था। 6-6 हाँ यार 6-6 था तो, बट वो जगह ऐसी है ना भाई कैसे उठाऊँ? ये वाला उठा लेता हूँ। गया कहाँ यार वो? अभी तो यही था। ऐसा दौड़ा ऐसा दौड़ा पता नहीं कहाँ गया। चिल गया वो लड़का। अरे मुंह भी चाहिए। मैंने हट गया।
वो बंदा किस तरह हो भगवान ही जाने। तालियां बजाओ गाइस, तालियां बजाओ इस चैट में। एकदम मस्त खेला लड़का, एकदम हिला ही नहीं, साउंड ही नहीं आई, एकदम बहुत बढ़िया भाई। क्या गेम प्ले था, ओहो ओहो डर गए हम, एकदम चौकड़ी मार के बैठे हुए थे, पता नहीं किसके आनंद में। कैस मतलब कैसा है भाई, ऑक के बाद मतलब लेवल 3 गियर है भाई तेरे पास, लेवल 3 गियर। शर्म और लज्जा नहीं है क्या तेरे में, ये पास को निकल जाती है भाई। लेवल 3 लेयर गियर लेके तो बंदा पुश करता है ब्रो। अब बताओ इसके लिए क्या किया जाए भाई, इसके लिए क्या किया जाए। क्या ही बनना है, छी भाई मैं गाड़ी से उतर के इसके पीछे आया। डैमी स्केट भी छी भाई, हदी है। मिलियन डॉलर का प्राइस पूछ चल रहा है भाई, टूर्नामेंट जीतने वाला लड़का। आइए आपका ही तो इंतजार था। क्या बोले जी भाई, पता नहीं यार इतना क्यों बैठा। आई एम ए न्यू प्लेयर और लेवल 500 वाले बंदे जब मेरे को ऐसे कैंप करके मारते हैं तो दिल से दुख होता है। दुख से क्या होगा ब्रो। दुख अगले गेम स्टार्ट होने से पहले उड़ जाएगा आपका भी दुख भाई। अरे बट साउंड क्यों नहीं था ना ब्रो इसका, अगर साउंड फ्लैश स्मोक नेड मॉली तो आप बंदा तब करेगा ना जब पता हो साउंड क्यों है। इसका साउंड क्यों ही नहीं है। अब भैया ब्लू चिप या येलो येलो लाइंस थोड़ी है मेरे पास जो मुझे पता रहेगा ओह इस दरवाजे के अंदर चौकड़ी मार के बैठा लड़का। वो बंदा हिला ही नहीं भाई, उसकी सिर्फ गर्दन हिल रही थी बस ऐसे, उसकी सिर्फ गर्दन हिल रही थी। उस क्या ही कर सकते हैं उसका भाई, इनके पास एक ही राम बाण है बस ऐसे बैठ जाओ। और मतलब लेवल 3 ऐसा भी नहीं कि मजबूर हो कि हाफ एच पी है या कुछ, मतलब 75 एच पी है, डर लग रहा है, नया प्लेयर है, हाँ सांस फूल गई है, घबराहट हो रही है कि बंदे के पास हील नहीं है, कुछ तो रीजन हो भाई। फुल एच पी लेवल 3 गियर विद ऑग विद स्कोप अटैच, अब भैया क्या चाहिए उसे और। हद है भाई, आओ पैलेस चल के आते हैं। सर्टिफाइड कैंप प्रॉपर यू एक्सपीरियंस भाई, इससे तो अच्छा तो आने वाले हैं भाई। खुले में आते चौड़ के कि भाई मारना है तो मार लो, हमें परवाह नहीं, दूसरा गेम खेल लेंगे, कोई परवाह नहीं होती उन्हें भाई। और फिर भी उसमें ज़्यादा बंदे अलाइव रह जाते हैं। माउस कैसा लगा, मीन्स एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है यार, अभी टू सून टू से एनीथिंग, बट यार आई एम काइंड इम्प्रेस्ड। बस मेरी ग्रिप नहीं बन रही माउस पे बहुत अच्छे से, बट यूज करते करते बन जाएगी। बट आई वुड हाईली सजेस्ट अगर कोई माउस ले रहा है तो यार ये वाला माउस ले लो भाई, 1500 रुपये में तो वर्थ इट है भाई लिटरली। मतलब इससे ऊपर अगर सोचो जोवी यूज करने के बाद अगर मुझे इसमें अच्छा माउस एम कर पा रहा हूँ मैं तो भाई वर्थ इट है यार, लिटरली वर्थ इट है भाई 1500। मतलब वायरलेस की तो जरूरत ही नहीं है भाई, वायरलेस की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं मैं तो सुन के हैरान था भाई, 12,000 का वायरलेस माउस, मैंने कहा है इतना एक्सपेंसिव भाई, वो तो पता नहीं क्या इसी में। G102 ब्रो, बट इसके रिव्यूज ऐसे हैं कि ये बहुत टाइम चलता नहीं है, लाइक ये 6 महीने में भी फुस हो सकता है और ये 1 साल में भी फुस हो सकता है, बट इसकी वारंटी इतनी है कि आप रिप्लेस करा पाओगे इजीली, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। G102 दिस गेम सिमिलर टू पबजी पीसी, हाँ यार ये पबजी पीसी जैसा दिखता है बट है नहीं, इसका गेम मैकेनिक्स और पबजी पीसी से भी ऊपर है। आरडीएक्स से जा रहे हो तो से ना जाओ, मेरे पे सुपरलाइट वर्थ एवरी पेनी रचित भाई, पता नहीं यार वायरलेस यूज करूँगा भाई, बोलता तो मैं भी था जो भी वर्थ एवरी पेनी और है भी, बट दिस इज लाइक ऐसा कैसे हो रहा है ब्रो। क्या किया जाए, पहले जा रहे हैं ना, पहले जा रहे हैं। मुंशी वेलकम वेलकम, लेजेंड से ही स्टिल होल्डिंग द एंगल, सो ट्रू भाई।
यार पता नहीं इसमें मुझे रिकॉल इतना फील नहीं हो रहा, या तो पता नहीं मैंने गन्स में सेम यूज कर रहा हूँ, बट फॉर सम रीजन इसमें मुझे इतना रिकॉल फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। टेंशन क्राइंग इन कॉर्नर। आई एम रॉकिंग 502 वर्क्स लाइक चार्म, परफेक्ट वेट फॉर मी। यार 502 बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया है, बट मैंने उसके साइज़ को देख के नहीं लिया, क्यों मुझे छोटे माउस की आदत है। रैच आपका मेरा सेंस सेम है, बट मेरा डीपीआई हाफ है, लो सेंस प्लेयर के लिए अमेजिंग है वायरलेस। हाँ होगा ही ब्रो। यार मेरे को पता है उसमें डर क्या लगता है वायरलेस वाले में, पहले तो उसमें बैटरी का सीन होता है, ठीक है, दूसरा ये है कि वो कितने टाइम तक टिकेगा, बस वही वाली बात है। वारंटी इज ऑफ कोर्स अ गुड थिंग। मेरे को एक बार इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं है, बट बार बार एक चीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा लगता है। भाई शॉट गन दूर रख मेरे से। बस कुछ नहीं चाहिए इस गेम में, शॉट गन मिल जाए बस। क्या यार, हाउ वाज योर डे? डे वाज रियली गुड ब्रो। विच कीबोर्ड? टीवीएस गोल्ड प्रो। अच्छा अब मेरे को एक माउस चेक करना है, फिर गेम खेलते हैं, ठीक है, या एक गेम चालू करते हैं फिर खेलेंगे। भाई मिड एयर मार गया वो लड़का मुझे। कोई नहीं बेटे, 2 दिन बाद हम भी मारेंगे हंसी मिड एयर। जूवी जूवी आओ चेक करते हैं माउस कौन सा है। वो ईसी FK1 है ना, वो FK1 ±। अब इसमें प्लस माइनस तो है ही नहीं, ये वाला होगा प्लस माइनस। ओ भाई प्लस माइनस बी है वो। ओ तो अभी इंडिया में पुराना वाला ही मिल रहा है, इंडिया में वो है ही नहीं, नया वाला माउस ही नहीं है, दोनों ही पुराने वाले मिल रहे हैं। ये जो नए वर्जन है ना, वर्जन 2 वर्जन 3, इसमें क्या है, इसमें तो पैराकॉर्ड है, ठीक है, इसमें पैराकॉर्ड है, ये नई वाली कॉर्ड आगे की, और 16 स्टेप स्क्रोल व्हील है, और सी वाले में 24 है, 24 स्टेप। ई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पता है यार, इंडिया में माउस ही नहीं मिल रहा, हद हो गई, दोनों ही पुराने हो गए। अच्छा आई थिंक इट विल सूट यू स्पेशल डेथ रेडर ब्रो, यू शुड चेक रेजर डेथ रेडर। मैं करता हूँ चेक यार, मैंने वो उस माउस से ना मैं दूर ही रहा हूँ थोड़ा रेजर से, सर्विस सेंटर वो उसकी वजह से, बट मैंने सुना है डेथ रेडर इज वन ऑफ देयर फ्लैगशिप माउस। गेम फिर से क्रैश हो गया, नहीं तो दूसरे चल के टू ब्रो सम डुओ। यार डुओ मैं कर तो दूँ, पर डुओ मिलेगा नहीं देर, मैं ट्राई करता हूँ देख लो। अभी देख हम डुओ लगाएंगे, देखते हैं कौन आता है नहीं आता, मोस्ट लाइकली तो एम्प्टी ही जाएगा स्लॉट। वैसे यू वाले में भी अच्छे बंदे आते हैं, बट लगा के देखते हैं। डुओ यार मन तो बहुत करता है पता है डीपीएस, बस प्रॉब्लम ये है जो बंदे रैंडम आते हैं ना वो माइक नहीं लाते यार, पता नहीं क्यों। स्पेशली ऑन यू देखता है, मोस्ट लाइकली मिल सकता है। अरे बाप रे, येलो यू हैव अ माइक? माइक तो होना चाहिए भाई ये। लो भाई भाग ही गया भाई, जी जी भाई। अरे नया आया, नया आया। हेलो येलो यू हैव अ माइक? अब मेरी भागने की बारी है भाई साहब। येलो यू हैव माइक? योप योप हेलो, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? आई एम फ्रेंच। इंग्लिश? नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक अ लिटिल बिट इन इंग्लिश, लिटिल बिट बिट। इज फाइन, लिटिल बिट इज फाइन, लेट्स गो बक्सली माय फ्रेंड। श्योर, वेयर आर यू फ्रॉम? वकांदा। Wakanda Wakanda forever.
सही है, आ गया बंदा, देखो मस्त वो लेके आया है। लॉन्ग टाइम। अरे पुष्पक एकदम बढ़िया ब्रो, आप बताओ कैसे हो। क्रॉकटेक इज लाइक अब हम जाते हैं सोने, डिफरेंशिएशन भी तो बनाना है। खेलते हैं यार मेट्रोक्स, खेलते हैं, ऐसा नहीं है। साथ में आ रहे गए। साथ में आ रहे एकदम ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ए बीच ओके, कम विद यू। ओके क्रॉकटेक, अंडरस्टूड। एक तो जिपलाइन ब्रो, भाई दरवाजे ही नहीं खुला। वाह इज ही विद यू? Two guys, bottom floor. They came up. On me, on me, on me. No, no, no. Below, below, bottom, bottom. Here, 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 bro, bro. Bottom, bottom, bottom. Come with me, come with me. Nice, bro, nice. मुझे लगा इस तरफ होगा। हाँ वो हाथ सेट सा हो रहा है। रेड डॉट ले गया, मोरो ले लिया ब्रो। वन मोर टीम, फाइव फाइव। ओके यू नीड फाइव फाइव अ बिट प्लीज लाइक सर्टिफिकेट। No problem. You wanna push him? Yeah, sure. Stay there, stay there, stay there. Bro, when did they came? Oh, I think they came already. He's switching, I think. ये कब आये bro? ये तो दिखे नहीं। ऐसा लग रहा था दूर से मार रहा कोई। ये कब आये? अरे यार ये ऊपर चढ़ रहे थे, हम नीचे उतर रहे थे। इसने मेरा पैराशूट सुना होगा। हाँ अबे ये मुझे ही मार रहा था, मैंने साउंड इसकी जीजी सुना। इसलिए कहते हैं नीचे से चल जाओ। हैप्पी फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट मी और गेम का वॉइस नहीं आ रहा। आ रहा होगा यार, इट मस्ट बी यू ओनली। देख मेरे को आएगा तो तेरे को भी आएगा, एज सिंपल एज दैट। ये तो रफेल वाले हो, जूसी भी खेल रहा है, क्या बात है। उस बंदे को बुलाऊं क्या? मस्त बंदा था वो।
ये नाम था ना उसका, राम्स, देखते आता है तो प्ले मॉल। दो कूपन का क्या सीन है भाई, कब मिलेगी हाइड आउट में कोई एक अमेजिंग अमेजिंग चीज, मिलती नहीं है। आ जाओ एक और डू करते हैं भाई, कितना मिस करता हूँ मैं क्वींस को, क्विस्पी को, क्या मस्त बनते थे भाई, डोनट को, ब्लड ड्रेवन, वेलकम वेलकम, मोहम्मद शाजिल भाई, वालेकुम अस्सलाम दोस्त, विच माउस जी 102। भाई ये कौन सी हुडी है यार, इतनी रंग बिरंगी, पता मैं ये सब हुडी वुडी क्यों नहीं पहनता यार, ये गेम में ना जल्दी स्पॉट हो जाता है बंदा। देखो ये बंदा उतनी जल्दी स्पॉट नहीं होगा जितना वो बंदा जल्दी हो जाएगा, और मेरी ड्रेस भी देखो कितनी सिंपल सी है, दिखेगी नहीं, ये रंग बिरंगा तो 100% स्पॉट हो जाएगा भाई, 100%। ऑरेंज यू हैव माइक, आज बंदा ढूंढते कोई ना कोई अच्छा बंदा जरूर मिलेगा। हॉट गोली गरम कर नो कांडू, अरे भाई माइक नहीं है यार इसके पास, क्या यार माइक वाला बंदा कैसे माइक के बिना कैसे खेलते यार ये, विच माउस स्मॉल हैंड्स, हाँ यार मेरे तो स्मॉल हैंड्स ही हैं तो मेरे लिए तो सही है, एकदम परफेक्ट बैठा। रुक जाओ एक बंदे को मैसेज करते हैं, कितना आएगा क्या, ₹447। डिस्कॉर्ड खोल रहा था, इंस्टाग्राम खोल दिया। पनी बोन्स वेलकम वेलकम, डेथ मैच कब खेलोगे, पहला मैच डेथ मैच ही खेला था लोग, मजा आ गया डेथ मैच में। इंडियन रीच वेलकम वेलकम, चैट मिस, अरे थैंक यू ब्रो, जाने भी तुझारो ऐसी भी के बात है, चलो यार एटलीस्ट PUBG पीछे को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, सही है। आज वापस आया माता वैष्णो देवी से और तुम्हारे स्ट्रीम आ रहे हैं, वेलकम बैक, विच माउस एंड प्राइस 1500 G102 ब्रदर, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सही माउस है, रात को लाइव होगा, होना चाहिए होना चाहिए। अरे माइक है इसके पास, सही है, यार डीसिंग कब कम होगा दोस्तों, वो डेथ मैच थोड़ा थोड़ी था भाई वो डेथ मैच नहीं था, अच्छा वो ट्रेनिंग मोड था, अरे डेथ मैच नहीं किया शायद मैंने, माय बैड माय बैड, डेथ मैच नहीं किया होगा भाई। कौन सी जगह मस्त है यार, कैंग वाली,
अरे अपना बंदा खुल गया है। जी जी भाई डब्बे से आगे निकला क्यों? अगर 1% भी चांस सनों से बचाने का वो भी नहीं रहा। क्या बकवास है भाई। लोड नहीं करना चाहता भाई। फ्री फायर ही मार दो बान से पहले मार दो। किट उठा लिया क्या? फाइनली वेस्ट मिल गया भाई। यहाँ सुबह सुबह होते नहीं है ज़्यादा ऑनलाइन, शाम को सब आ जाते ना ऑफिस से, कॉलेज से, स्कूल की कोचिंग से फ्री पीजी पीजी। अब बंदे कहाँ थे? एक तो मेरे लेफ्ट में थे और एक मेरे राइट में। ठीक है कैसी रही ट्रिप? अब तो काफी थकान हो रही होगी ब्रो। रेज डिजीज हो गया तो डिजीज। एक टीम और थी ब्रो। अभी लास्ट वाली टीम है यार, दिखनी मुश्किल है, ढूंढनी पड़ेगी। ये तो यहीं पे खेल गया लड़का। क्लियर कर ली चेल थी यार, ज्यादा ही दौड़े दौड़ी होगी, पीछे चले जाता है यार मैं। ये देखो कैसे क्लियर कर रहा है, ऐसे क्लियर करनी चाहिए धीरे धीरे। इतने में ना ऐसे क्लियर करते करते वो अपनी आवाज़ दे ही देते हैं, वो वाली बात है। देखो कैसे कैसे चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, मेरी कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है। इसको दिखा नहीं मैंने बट इसने वैसे ही प्री दिया मुझे क्योंकि साउंड के बेसिस पे, क्योंकि आई वाज रनिंग। सही है, अजीब है ये। क्या वो फनी बोन्स? पता नहीं यार राजू, हाँ पता नहीं भाई। क्या करें यार, ख़त्म करते हैं, अब शाम को मिलेंगे। क्या बोलते हो बॉयस? पुलिंग रेट क्या है? 1000 पुलिंग रेट। यार डीसिंग ना होता ना तो खेलने का भी मज़ा आता है। वैसे मैं इसमें वैसे मरा, एक सोलो और लगाते लास्ट।
देखते कौन सा मारता है। पाव ग्रिड चले या सेन मार्टिन चलेंगे भाई, पुश करके खेलेंगे मजा आएगा। एक एक लास्ट खेलते हैं। सार्थक कैसे है, वेलकम वेलकम। संपन्न बजाज, ये तो नया सा नाम है, कहाँ से हो संपन्न यार? मजा आ गया उसे डीपीएस, बट यार डूस खेलने में मजा आता है, बट डीपीएस बस बंदा ठीक होना चाहिए। और मजा तभी आता है जब रैंडम डूस आते हैं, चाहे वो मारे ना, बट एटलीस्ट बस माइक ले है, वो भी बहुत है। 1v2 तो ऐसे ही हो जाएगा। गुड़गांव से भाई, अरे वाह, दैट वाज यू? या आई वाज लैंडिंग देयर, दैट वाज यू। मुझे लगा ही था ये नाम सुना सुना सा है या देखा देखा सा है। फिर क्या हाल चाल यार? मैं भाई मैकलेरन किसने खुली नहीं, अब मैकलेरन का भी क्रेज होता है लोगों का, वरना तो ये लाल डब्बा देखते ही सब आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते थे। धीरे धीरे इसका भी क्रेज चला गया। बाय द वे आज सुबह एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई थी पबजी की, जिसमें वो बता रहे थे कि काफ़ी गन बैलेंसिंग करेंगे ये लोग। भाई उस जब मैं उसको पूरा पढ़ रहा था, मैप्स मैप साइजन, ये मिरामार वाला मैप है वाला, तो उसमें बता रहे थे कि क्या कहते हैं, हम काफ़ी बैलेंसिंग करेंगे ये करेंगे। मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई ये उन्होंने इतना बड़ा चिट्ठा लिख तो दिया है, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो फीलिंग आ रही है कि एज इफ पीपल आर स्केर्ड कि सुपर पीपल एंड वॉर जोन इस टाइम, पता नहीं क्यों, वरना इतना ज़्यादा इंटरेक्ट तो ये करते नहीं थे भाई। डर तो इन्हें भी लग रहा होगा कि अब क्या होगा, बिकॉज सुपर पीपल एंड वॉरजोन इज गोना चेंज द गेम। मयंक वी कैन सी योर चैट ब्रो, वी कैन सी योर चैट, सॉरी यार तेरा मिस हो गया। हेलो, तूने सारे रिट्रैक्टेड कर दिए मैसेज ऐसे क्यों? अगर ऐसा हो ना तो एक साथ दो बार रिमोट डाल दिया, अगर मैं ध्यान चल जैसे जस्ट गेमिंग ने डाला तो मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ, कुछ कहते नहीं आता। सुपर पीपल 21st को इवेंट है, नहीं 11th को, 21st नहीं 11th, 11th ऑफ अक्टूबर खेलेंगे यार सुपर बोल, पूरी दुनिया खेलेगी। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है ब्रो, एवरी टाइम यू स्पीक वॉइस इज स्पीकिंग। सच्ची में यार, तभी तो मैंने माइक ले रहा हूँ, मेरे को ये माइक ठीक नहीं लगता, भरोसेमंद नहीं। अभी देख माइक सही है तो लीक तो नहीं होना चाहिए माइक, थोड़ा दूर। अबे यार देख मुर्गे बना तो तेरा हमने सही जा रहा था, गन भी मिल गई उसमें। सार्थक कह रहा है लीक हो रहा है, अरे माइक थोड़ा सा लीक तो नहीं होना चाहिए उसको। भाई बट नहीं, माउस की बात अलग है, क्लिक भी इतना क्रिस्प है, एकदम ताजा ताजा। मैं कैसे उठला
नेट मार दिया साला पीछे पड़ गया भाई। ए मेम कुछ चाहिए नहीं भाई, बस शॉटगन बुर 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 बुर। जान पूछ के भाई दो उठाई थी भाई, काम तो आएगी भाई। बंदा लिटरली स्प्रे एंड प्रे करता हुआ है भाई, कह रहा शॉटगन है शॉटगन, चिल्लाता हुआ आ रहा है उधर से बुर 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 बुर। भाई डेट भाई हटना चाहिए भाई ये गेम से भाई, क्लोज रेंज में तो ऑफ हो जाता भाई शॉटगन का। भाई नीचे से ऊपर से सामने से पीछे से हर जगह से बंदे ने कोशिश करी कि कुछ तो हो भाई। मेरे सामने वाले में बंदा है ऊपर जाके देखना पड़ेगा यार, स्नाइपर तो नहीं है, विंचेस्टर है, विंचेस्टर ही सही। अरे यार यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, ठीक ही नहीं कर रहा है बच गया लड़का। अरे डर नहीं लगता लड़के, ये ऊपर जाएगा पक्का। ये इसको कान के पास गोली लगी होगी, भी कहां से मार रहा है। नेट ना ले आए भाई, बचरे मौत की गुड़िया गोल गोल घूमे आ रही है। कितने एंगल चेंज करेगा भाई, पीक नहीं करने वाला। भाई बंदा है क्यों नहीं कर रहा होगा ये पीक, पता नहीं वो भी शायद डर लग रहा है। रेड जोन अभी नहीं आनी चाहिए थी,
क्या लगता है ऊपर है? बताओ छत पे जाके क्या ही कर रहे हैं? चला गया ऊपर ही तो था। अभी यार अभी तो अभी आवाज थी ऊपर की, इतनी जल्दी कहाँ चला गया? पता नहीं भाई कहाँ ही भाग जाता है। इनकी 19 के दशक से इनकी लड़ाई चल रही है, अभी तक निपटा नहीं हुआ। मेरे को सुलह करानी पड़ेगी इन दोनों की। अरे बंद हो जा चाचा, एफ का बटन ही नहीं आ रहा। सही बोले भाई, हार्ड है। अब तू कल कल साउंड दियो, ठीक है? आज साउंड ही मत दियो, कल साउंड दियो। मैं भी यहाँ चौकड़ी मार के बैठ जाता हूँ। अब देखते हैं तेरे में ज्यादा पेशेंस है या हम में ज्यादा पेशेंस है। कोई तो पिक करेगा। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई? सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा ऊपर, और ऊपर ही है ये बंदा, बट पिक नहीं करेगा। उसको चाहिए फ्री किल। बिल्कुल देखो कितनी शांति है, जैसे कोई हो ही ना, इतना शरीफ भाई। मेरी पेशेंट जवाब दे गई, पता है? Hello my friend, how are you doing? How was the flash? भाई ऐसा लेटा था ना लड़का, जो मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी ऐसी मौत होनी चाहिए भाई, ऐसे सुकून वाला होना चाहिए इनका। यार एक नीड वेड नहीं है क्या? कितना कैसे लेटा हुआ था भाई, गेमिंग हो रही है बहुत भयंकर। ओ भाई यार स्मोक तो चाहिए भाई, C4 नहीं आएगा चलेगा। निकलते हैं इसके बाद, थोड़ी अमाउंट उठा लेते हैं। ओहो एक और बंदा है। तो इतनी गंदी जगह, यहाँ से पीक कैसे करेंगे?
स्वागत है आपका, स्वागत है आपका मिरामार में। जो आपने गाड़ियां घुमाई हैं, जो आपने गेड़ियां मारी हैं सेंट मार्टिन में, वाह वाह मजा ही आ गया। दूसरा ओपन कौन चलता आ रहा है? दोनों दरवाजों में पीक नहीं आ रही। एनजी साले अरे 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 कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहा है बिरादर। अबे कितनी गाड़ियां जा रही हैं और कहां कहां जा रही हैं? आनंद इज लाइक साथ नहीं खिलाया तो अब मार के ही जान लूंगा। अब मेरे को देखना क्या बोलेगा चैट में। अच्छा खेल रहा था यार, बट दैट वाज रियली नाइस पीक। आज नहीं माउस का जोश आनंद। ओह भाई लोडेड। यहाँ तो आएगा जी। भाई अपनी गाड़ी से कैसे मर सकता है तू ब्रो? जोरो द किलर, तू नाम में से किलर निकाल पहले। तो जोरो द किलर तू पहले नाम में से किलर निकाल, फिर बात करेंगे आगे भाई। जोरो द किलर डाइट फ्रॉम हिज ओन। यार तोहीन, किलर नाम की तोहीन। क्या चाहिए अपने को? एक तो वो चाहिए था पैन। मैं कंफ्यूज हो गया मैं इतनी लूट देख के। चलो भाई जय माता दी निकला जाए। किक पैड तो है नहीं, 6-6 की जरूरत नहीं। और कोई है क्या? एक किक पैड पता है इस बंदे से मिल सकता है जो यहाँ कहीं मारा था, और वो मिराडो वाले भैया को भी चेक करना है। मिराडो वाले भैया तो क्या जोश में आए थे भाई। हाँ पैन चाहिए था, पैन मिल गया। बस और तो क्या ही ले पाएंगे। बैंडेड मिल जाती तो बहुत धन्य हो जाते हैं। दो ही बैंडेड आई, बेइज्जत मत करो प्लीज। अब तीन बैंडेड आई, बहुत ही बढ़िया। जाने भी दो यारो, ऐसे भी के बात है। कंट्रोल जे जो है नहीं, कंट्रोल जे था? कंट्रोल जे नहीं हो रहा था। सोच रहा था मिराडो का कलर चेंज करूं बट नहीं हो रहा भाई। मजा आया यार, पांच बंदे सेंट मार्टिन ओपी ओपी। अब अंदर जाना पड़ेगा, फेज थ्री आ चुका है। सेंट मार्टिन में पता नहीं लगता कब फेज वन, कब फेज टू, कब फेज थ्री। फेज थ्री शुरू होने वाला होता है। दैट ड्रिफ्ट वाज ऑल प्लान्ड बेबी।
जा कर रहे हैं पता नहीं, बस चला रहे गाड़ी। जाने भी तो यार ऐसी भी क्या बात है। चलो जी पहुंच ही गए हम। हैवी ड्राइवर अरे भाई बंदा, अरे यार टैग दे दिया, शिट और टैग दे दिया, बहुत ही बढ़िया भाई, मृत्यु ना दे दे। अब मेरे ऊपर आवाज आ रही है, ऊपर आवाज थी ना भाई, आवाज तो देगा नहीं अभी, एकदम भाग के क्रॉस कर लेते हैं। नहीं चलो ये तो है नहीं, क्या बताऊं, बाइसिकल वाला बंदा आया, बाइसिकल वाला बंदा आया। ओह बैलून, बैलून लेके कहाँ जा रहा है, चल पड़ना बड़तबड़ कर दी यार, मुझे लग रहा था सेफ खेलेगा साला, बाहर चौकड़ी में खड़ा है भाई, कोई हेडशॉट मार दे मेरा उससे कोई डर ही नहीं है, ओपन खड़ा है लड़का, मेरे को लगा एटलीस्ट अंदर से पिक करेगा, मेरे को टाइम देगा कि मैं आऊंगा मैं ड्राइव बैक करूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई चौड़े में बाहर से पिक करना भाई, क्या यार इतना ओपन काहे खेल रहे हैं, स्कूल में एप्लीकेशन देके छुट्टी लेके स्ट्रीम देखना है। अरे यार ऐसे मत करा करे यार अनुज, कौन कौन खेल रहा है, पुलिस की भाई, पुलिस की दिन रात खेलता है क्या, नहीं पीसी का जोश है, नोटिफिकेशन ऑन कर दिया कब आते हो पता नहीं चलता यार देख 9 बजे स्ट्रीम का टाइम है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं आपके और हमारे दोनों के लिए, उन हफ्ते में से 3 दिन डीसिंक रहता है, 4 दिन हम ऐश काटते हैं, 4 दिन आप देखोगे हमें एकदम दरिंदा की तरह खेलते हुए, और 3 दिन आप हमें देखोगे कैलकुलेटेड स्टेप्स, पर जो भी कहो यार माउस ओपी है। अमित मुखर्जी की हाल चाल, हेलो फ्रॉम जिम, ओहो अभी ने जिम शुरू कर दिया, डैम तूफ कबूल है ऐसा बोल गया, मिराडो लाइक रॉक एंड रोल, कितनी शांति है यार यहाँ, कितनी शांति है, अटूट शांति दोस्तों। एक टीडीएम टीडीएम मने, हाँ डीसिंक है, हाँ यार है डीसिंक तो है, जरा सा है बट है, ये चैट वाले आज तो बहुत ही ट्रेंडिंग में है, क्या स्ट्रीम चौथी बार आया है, इतना तो 3 साल में नहीं आया, इसका कितने आईडीज़ हैं भाई,
अच्छा बताया भी था, मैं भूल गया हूँ। आज कौन सा पार्ट है अभिन? डीपीए 3200। होली शिट, कौन सा माउस है यार? FG012 102 102 होगा ना, 012 तो कोई माउस ही नहीं है, यही वाला होगा 3200। अरे बाप रे, बियर्डो कैसे खेलते 3200। यार अब और मन नहीं कर रहा यार खेलने का, शाम को खेलेंगे, अब शाम को खेलेंगे फ्रेश फ्रेश। ठीक है अब चलते हैं, थोड़ा मन नहीं कर रहा वैसे भी, शाम को कोई आएगा उसके बाद खेलेंगे। बैक और बाइसेप्स, बैक, हाँ बैक और बाइसेप्स, तो बैक और ट्राइसेप्स होता था, पता नहीं सही होगा, बैक और बाइसेप्स ही होगा। चलो अरे क्या कहूँगा भाई, पबजी खेल रहे हैं और वैलोरेंट थोड़ी खेल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ही कम है इसका तो बेचारा। ये हो गया, ये हो गया, क्या और तो कुछ नहीं करना था, पबजी रिपोर्ट और देख लेते एक बार, क्या पता भाई अभी भी पर हूँ, पर मज़ा आया यार, मस्त माउस, एंजॉय किया, मस्त ही। नहीं है ही नहीं कोई भाई, यू में तो खाली सूखा पड़ा हुआ। चलो बाय बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू गाइस इन द इवनिंग स्ट्रीम, बाय बाय। कॉलेज वाली देखो ना, कैलिनेस वाली क्या है, कैलिनेस, कैलिनेस क्या है, कैलिनेस मैंने कुछ मिस किया क्या, कैलिनेस कौन है, क्यों बोला तूने भाई, अब मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए। I want to clear this out though. Just... Oh, he's right here. Thank God he ran out of ammo. Holy shit. अच्छा ये मुझे याद आया, जो कल पैन वैन पे लग रही थी गोलियां भाई, मैं वही सोचा यार क्या लगता है इसका। न्यूमज ले लिया, हाँ G102। जय भाई अमेजिंग है भाई, बस यार बुरा ही लगता है ना कि क्या ही बोले, बुरा भी कुछ नहीं है यार, उसका भी मन होता होगा भाई कि साथ नहीं खेल सकते तो चलो अगेंस्ट में आ जाए। अरे नहीं नहीं फनी नहीं था, मैं समझ गया, वो तो पैन वाली वो थी ना, क्या कहते हैं पैन वाला जो क्लिप था वो याद आ गया मेरे को। गुड बाय गुड बाय गुड बाय आकाश, मेरा डो लाइक रॉक एंड रोल, आप शांति वाले वातावरण में अशांति फैलाने जा रहे हैं आप भी, रहे चलो बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू गाइस इन द इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए एंड मिलते हैं शाम को।